लैब नंबर वन, हाउ टू क्रिएट ईसी टू इंस्टेंस इन AWS क्लाउड। ठीक है, बेसिक लैब दोस्तों हम लोग करने वाले हैं कि एक सर्वर अगर आपको अपने क्लाउड में अपने अकाउंट में अगर रन करना है, सो व्हाट आर द स्टेप्स यू कैन फॉलो। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर लैब में थोड़ा सा मैं जस्ट आपको आइडिया करने वाला हूँ कि यार एक सर्वर आपको चाहे विंडोज का मशीन हो, चाहे आपका लिनक्स बेस्ड कोई मशीन हो अगर आपको चाहिए, तो हाउ वी कैन प्रोविजन। ठीक है, थोड़ा सा अगर मैं इस चीज को कंपेयर करता हूं आपसे ऑन प्रमाइसेस से, तो बात हमारा है कि बैकएंड में अंडरलाइंग हार्डवेयर ही होता है, चाहे आप ऑन प्रमाइसेस की बात करें चाहे क्लाउड में बात करें। बस डिफरेंस इतना हो गया कि क्लाउड में जहां पे हमारा सर्वर प्रोविजन होने वाला है, रन होने वाला है, उसके बैकएंड रिसोर्सेस को हम लोग मैनेज नहीं कर रहे हैं। ऑन प्रमाइसिस में वी हैव द फुल एक्सेस टू माय डेटा सेंटर। तो एक सर्वर को वर्चुअलाइजेशन में मैंने आपको बोला था कि वी कॉल द वर्चुअल मशीन, ऑन प्रमाइसिस उसको आप सर्वर बोल देते हैं, और क्लाउड में उसी सर्वर को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंस। ईसी टू इंस्टेंस हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्लाउड में आपके जैसे स्टोरेज आपको चाहिए, तो स्टोरेज देने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, उस सर्विस का ना एक नेम इन्होंने दे रखा है। हर एक कंपोनेंट को यहाँ पे ना एक तरीके से डिवाइड कर रखा है कि आपका नेटवर्क देने का काम है, आपका स्टोरेज देने का काम है, आपका सर्वर देने का काम है, आपका डेटाबेस देने का काम है, आपका लोड बैलेंसर देने का काम है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सारी चीजें हमें एक जगह पे ही मिलने वाले नहीं। AWS आपसे क्या बोलता है कि मैंने सर्विसेज को ना हर एक उसका यूज केस मैंने आइडेंटिफाई किया। कस्टमर सर्वर लेने आएगा तो सर्वर के लिए डेडिकेट एक अलग सर्विस मैं आपको देता हूं। स्टोरेज चाहिए, स्टोरेज के लिए मैं अलग देता हूं, डेटाबेस सेम फॉर द अदर सर्विसेज ऑल्सो। ईसी टू जो यहाँ पे ये जो कीवर्ड मैंने यूज किया है ना, वी कॉल इट इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। मतलब ईसी टू एक ऐसा सर्विस, अगर आपको वर्चुअल सर्वर्स, वर्चुअल क्यों बोला मैंने, क्योंकि बैकएंड से जो रिसोर्सेस हमें मिल रहे हैं ना, ऑल द रिसोर्सेस आर वर्चुअल। चाहे आपके सर्वर को स्टोरेज मिल रहा है, चाहे नेटवर्क आपको मिल रहा है, चाहे स्टोरेज आपको मिल रहा है, सीपीयू आपको मिल रहा है, रैम आपको मिल रहा है, ये सब चीजें क्या है, वर्चुअल है। वर्चुअल का मीनिंग क्या हो गया कि बैकएंड में जो AWS ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रखा है ना, उसको पहले थ्रू द वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन का मतलब क्या है कि ओवरऑल जितने फिजिकल रिसोर्सेस है ना, उनको आप शेयर रिसोर्सेस की तरह कर दो, एक पूल बनाओ। पूल का मतलब क्या हो गया कि मेरे पास टोटल 300 GB रैम बैकएंड में लगा है। अब जितने कस्टमर मेरे पास एक सर्वर की डिमांड करेंगे ना, और सर्वर के साथ प्राइमरली हमको एक रैम की रिक्वायरमेंट है, तो रैम मैं अलग से मार्केट से खरीद के अपने सर्वर में नहीं लगाऊंगा। मैंने एक रैम का ना एक पूल बना रखा है बहुत बड़ा, उस पूल में से जितना रैम कस्टमर को रिक्वायरमेंट होगा अपने सर्वर के लिए, मैं उसको प्रोविजन कर दूंगा। अब कस्टमर को ये मतलब नहीं है कि AWS ने बैकएंड में रैम कितना लगा रखा है, स्टोरेज कितना लगा रखा है। कस्टमर को क्या चाहिए, अपना काम, एप्लीकेशन को रिक्वायरमेंट क्या है। एप्लीकेशन चलाने के लिए सर्वर चाहिए, सर्वर चलाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, रिसोर्स। रिसोर्स क्या बोलते हैं हम, रिसोर्स का मतलब हो गया यू रिक्वायर द सीपीयू, यू रिक्वायर द रैम, यू रिक्वायर द नेटवर्क, यू रिक्वायर द स्टोरेज। तो कंप्लीट, अगर आप मार्केट से एक लैपटॉप भी परचेस करने जाते हैं, तो लैपटॉप में भी हम लोग सीपीयू कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, रैम कॉन्फ़िगरेशन, नेटवर्क का कॉन्फ़िगरेशन, स्टोरेज का कॉन्फ़िगरेशन। सेम इन्होंने यहाँ पे बोला हुआ है कि हम लोगों को अगर जैसे डेडिकेटली लैपटॉप तो मिलेगा नहीं, वी रिक्वायर द सर्टेन वर्चुअल रिसोर्स कॉन्फ़िगरेशन। तो EC2 सर्विस का यूज क्या है यहाँ पे, टू प्रोवाइड द वर्चुअल सर्वर्स इन AWS क्लाउड। दैट्स व्हाई वी कॉल इट EC2 इंस्टेंस। इंस्टेंस का मतलब योर वर्चुअल मशीन, योर सर्वर। तो प्राइमरली मैंने आपको बताया था AWS में सर्विसेज जब हम लोग प्रोविजन करते हैं ना, तो
वेरी बेसिक क्या है आपका कि सबसे पहले यू हैव टू सेलेक्ट योर रीजन कि कौन से डिजायर्ड लोकेशन पे आप सर्वर अपना चाहते हैं, किस डेटा सेंटर में आप अपने सर्वर को प्रोविजन करना चाहते हैं। इधर इन द मुंबई डेटा सेंटर, इफ यू बिलोंग फ्रॉम द मुंबई और इंडिया तो यू विल चूज द नियरेस्ट लोकेशन। नियरेस्ट क्या है आपका? मुंबई। यूएस में आप काम करते हैं तो यू विल चूज द यूएस रीजन, और अदर कंट्रीज में भी जैसे आप मिडिल ईस्ट से हैं, आप अफ्रीका से काम करते हैं, आप यूरोप कंट्रीज से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, तो AWS का जो बिजनेस है वो टोटल सो फार दे हैव द डेटा सेंटर्स इन 24 जियोग्राफिक लोकेशंस। तो करना क्या है, सबसे पहले यू शुड हैव द अकाउंट। दोस्तों सबसे पहले स्टेप नंबर वन क्या है आपका, एक AWS का अकाउंट आपके पास होना चाहिए। अकाउंट साइन अप करना हमने लास्ट टाइम देख लिया है, अकाउंट लॉगिन करने का तरीका भी मैंने बताया था, गूगल पे जाके सिंपल आपको यू विल हैव टू टाइप AWS मैनेजमेंट कंसोल लॉगिन, और आपका ये वाला URL लॉगिन करने के लिए हमारा होता है console.aws.amazon.com। जब भी हम किसी भी सर्विस को प्रोविजन करते हैं तो यहाँ पे सिंपल आपके राइट साइड में टॉप कॉर्नर पे ये आपके अकाउंट की इंफॉर्मेशन देगा कंप्लीट, और यहाँ पे आपसे बताएगा कि आप कौन से रीजन में बाय डिफॉल्ट काम कर रहे हैं। AWS का हर एक रीजन अपने आप में आइसोलेट है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो चीज मुंबई में रखी है ऑन द फ्लाई आप उसको माइग्रेट करके या रेप्लिकेट करके किसी दूसरे लोकेशन पे ले गए। ले जाना पॉसिबल है बट ये नहीं है कि सारी चीजें ऑन द फ्लाई हैं। जो चीज मुंबई में है वो मुंबई में एक्सेसिबल है, जो वर्जीनिया में है वो वर्जीनिया में एक्सेसिबल है। कोई सेंट्रलाइज पोर्टल इन्होंने ऐसा नहीं बना रखा कि जहां से आप हर एक रिसोर्स को एक्सेस कर पाओ सेंट्रलाइज, तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। चाहे हम लोड बैलेंसर बनाना चाहते हैं, डेटाबेस बनाना चाहते हैं, कोई भी AWS का सर्विस आप यूज करना चाहते हैं, वेरी बेसिक आपको पहले रीजन अपना देख लेना है यहाँ पे कि मैं काम कौन से रीजन में कर रहा हूँ। आपके अकाउंट में जितने भी रीजन यहाँ पे एक्टिवेटेड है वो आपको यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है, और इनको ना इन्होंने कैटेगराइज भी कर दिया है कि यूएस के हैं तो यूएस में दे हैव द फोर रीजन्स, अफ्रीका में कैप टाउन में उनका डेटा सेंटर है, और एशिया पैसिफिक में हमारे इंडिया आता है, ठीक है। तो लेट सपोज यू वांट टू वर्क इन मुंबई रीजन, तो मुंबई का कोड भी यहाँ सामने लिखा हुआ है AP South 1। जैसे ही मैंने अपना रीजन चेंज किया आपसे बोल रहा है यू आर वर्किंग नाउ इन मुंबई रीजन। किसी भी AWS के सर्विस को आपने सर्च करना है तो रिसेंटली जो आप सर्विसेज को एक्सेस करते हैं वो यहाँ पे भी आपको दिखते हैं, और आपने बोला कि इनमें से मेरा सर्विस लिस्टेड नहीं है तो यू कैन सिंपल टाइप हेयर सर्विस नेम। जैसे आपने बोला EC2 पे मेरे को काम करना है तो EC2 आपसे बोल रहा है कि सबसे पहले सर्विस का नाम है EC2, सर्विस का यूज केस भी आपको बता रखा है वर्चुअल सर्वर्स इन द क्लाउड। सिंपल मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब क्लिक करने के बाद आपसे बोल रहा है कि हर एक सर्विस का ना ये एक तरीके से डैशबोर्ड होता है। डैशबोर्ड का मतलब है कि जो रिसोर्सेस आप यूज कर रहे हैं, जैसे कि आपके पास हाउ मेनी सर्वर्स यू हैव इन रनिंग स्टेटस, आपसे बोल रहा है कि कोई भी सर्वर आपका रनिंग स्टेटस में नहीं है, कोई आपने डेडिकेट होस्ट नहीं ले रखा है, सबका नंबर क्या है जीरो है, इलास्टिक IP क्या है जीरो, इंस्टेंस मतलब सर्वर आपके पास टोटल दो है, मे बी ये सर्वर आपके स्टॉप्ड स्टेटस में हो, रनिंग स्टेटस में आपका कोई भी सर्वर नहीं है लेकिन सर्वर आपके पास दो यहाँ पे हैं, दे मे बी इन द स्टॉप्ड स्टेटस। पेयर्स आपसे बोल रहा है दो है, लोड बैलेंसर आपका जीरो है, प्लेसमेंट ग्रुप आपका जीरो है, सिक्योरिटी ग्रुप आपके थ्री है, स्नैपशॉट आपके जीरो है, वॉल्यूम्स आपके फाइव, ठीक है। ठीक है सर, बाय डिफॉल्ट दो इंस्टेंस होते हैं क्या हर एक में? नहीं, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पे, यू विल गेट ओनली सिंगल सिक्योरिटी ग्रुप हेयर, और आपको यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। आप अगर आप एक नए अकाउंट में लॉग इन करते हैं तो एक सिक्योरिटी ग्रुप आपको यहाँ दिखता है विद वैल्यू, ठीक है। मेरा ये पुराना अकाउंट है तो आई एम यूजिंग दिस कंटिन्यूअसली, तो यहाँ पे पहले से दो सर्वर्स मेरे बने हुए हैं एंड वो मेरे स्टॉप्ड स्टेटस में है, ठीक है, कर लेना।
कैन सी हेयर यू हैव द थ्री अवेलेबिलिटी जोन्स अवेलेबल। मैंने बताया था हर एक रीजन को एक कोड मिलता है और उसके अंदर फिर अवेलेबिलिटी जोन आपके आते हैं। अरे म्यूट कर लो ना, कौन है ऋषि? एपी साउथ 1A, एपी साउथ 1B एंड एपी साउथ 1C। ठीक है, अवेलेबिलिटी जोन होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रीजन को ए बी एंड सी। ये चीज आपको याद रखना है कि आप AWS को कोई टेक्निकल केस वगैरह ओपन करके ये नहीं बोल सकते हैं कि गिव मी द मोर अवेलेबिलिटी जोन। उन्होंने बता रखा है कि इतने ही हैं, और ये आपको मैंने कंसोल पे बता भी रखा है कि एक रीजन में हाउ मेनी मैक्सिमम अवेलेबिलिटी जोन यू हैव। ठीक है, नाउ आपको लेट सपोज सर्वर अगर क्रिएट करना है, तो देखो यहाँ डायरेक्ट ऑप्शन भी आपसे बोल रहा है कि यू कैन क्लिक हेयर लॉन्च इंस्टेंस। लॉन्च का मतलब क्रिएट करना है नया। ठीक है, और या फिर आप लेफ्ट पैनल में एक ऑप्शन आ रहा है आपके पास इंस्टेंसेस, ये फ्री टायर में कितने कर सकते हैं? कोई चार्ज वगैरह नहीं आएगा अभी। फ्री टीयर वगैरह ऐसे क्वेश्चंस आप क्यों पूछ रहे हो? आपका क्या आइडिया है फ्री टीयर से? नहीं, जैसे हम एक EC2 क्रिएट कर, एक सर्वर ले सकते हैं फ्री टायर में, या फिर दो एक से मल्टीपल ले सकते हैं? अभी मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी ऐसे क्वेश्चन नहीं करेगा जो फ्री टीयर में हम इतने कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बिकॉज नो वन विल आस्क यू इन इंटरव्यू की फ्री टीयर के यूजेस मेरे को बताओ। यू आर गोइंग टू वर्क इन द कंपनी, तो कंपनी में सीधा सा आपको पैसे कॉस्ट से ज्यादा कोई लेना देना नहीं होता। यू हैव द स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस, दिस इज द डॉक्यूमेंट एंड क्रिएट द सर्वर्स। ठीक है, सर, कोई बाय डिफॉल्ट लिमिट होती है क्या कि इस सब चीजों की मैं रीजन? बताऊंगा। अगर आप अभी ऐसा माइंड सेट करके बैठ जाओगे ना कि यार मेरे को हर एक चीज जब मैं बनाने जाता हूँ तो मेरे को पैसे की ओर ज्यादा देखना है, वो नॉलेज के लिए ना जीरो वैल्यू है। AWS में माइंड सेट ये कर लें, आप कुछ भी फ्री नहीं है। AWS आपको कोई भी सर्विस देता है ना, लिमिट है आपके अकाउंट में हर एक रिसोर्स का, हर एक सर्विस का। आई विल लेट यू नो इन एवरी टॉपिक, जैसे जैसे हम टॉपिक पढ़ेंगे हर एक टॉपिक में ये बात करेंगे कि यार इसका मैक्सिमम कितना प्रोविजनिंग हम कर सकते हैं, क्योंकि सर्टेन कोटा AWS ने लगा के आपको दिया है, बट उसकी ना हम हर एक टॉपिक में बात करेंगे। अभी के लिए माइंडसेट हमें क्या करना है, आई कैन प्रोविजन द अनलिमिटेड और अनलिमिटेड ऑफ सर्वर्स, और उसका हर एक का मेरे को पैसा देना है, कुछ भी AWS में फ्री नहीं है। ठीक है, दो सर्वर्स आपसे बोल रहा है कि आपने पहले से बना रखे हैं, आपको यहाँ पे जब लॉग इन करोगे तो कोई भी सर्वर आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, दोनों का स्टेटस आपको बता रहा है कि ये स्टॉप रनिंग स्टेटस में नहीं है। अगर आप इन सर्वर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो यू विल हैव स्टार्ट नया सर्वर आपको बनाना है, तो सिंपल आपसे बोल रहा है कि आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं लॉन्च इंस्टेंस। कुछ स्टेप्स आपको सर्टेन फॉलो करने पड़ेंगे एक सर्वर को बनाने के लिए। हर एक स्टेप की मैं थोड़ा सा डिटेल्स में बात नहीं करूंगा, जस्ट एक ब्रीफ मतलब ऊपर ऊपर से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दूंगा, क्योंकि हम ये बेसिक लैब कर रहे हैं। बस एक सर्वर हमें बना के देखना है, एक रेडी टू यूज हमें सर्वर चाहिए। देखो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि मेरे को अगर एक सर्वर बनाना है तो पहला चीज सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, मेरे को एक OS चाहिए, राइट? हाँ जी, सर्वर का मतलब क्या होता है, एक मेरे को ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले पता चले कि यार उसके अंदर मैं OS कौन सा रन करना चाहता हूं। तो आपसे अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि एक सर्वर अगर आपको ऑन प्रमाइसिस मिला आपके कंपनी में, और उस सर्वर पे आपका ना फुल एक्सेस भी था बिकॉज यू आर द ओनर ऑफ द सर्वर, तो कितने तरीके से आप उसमें एक OS इंस्टॉलेशन की मैं आपसे बात करूं, आपके मैनेजर ने बोला कि एक RHEL 7 का, RHEL 8 का, विंडोज का मशीन मेरे को बना के दे दो, कितने तरीके से आप उसमें OS का इंस्टॉलेशन कर सकते हैं? OS इंस्टॉलेशन के तीन तरीके ही होते हैं मैक्सिमम। एक तो होता है थ्रू द पेन ड्राइव या DVD, जिसको आप मैनुअल बोलते हैं, राइट? या फिर एक तरीका हमारा होता है क्या, एक नेटवर्क या किक स्टार्ट PXE बूट जिसको बोलते हैं, मतलब जो ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन होता है। कंपनीज में आपने देखा होगा कि OS के जब इंस्टॉलेशन हम लोग करते हैं तो हम ऑटोमेटिक से ही करते हैं,
बट मैंने आपसे क्या बोला कि क्लाउड में ये सब जो तरीके हैं ना, आपके जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं दैट आर नॉट सपोर्टेड। आपने बोला कि मेरे पास एक डीवीडी है, क्या उस डीवीडी को यूज करके मैं अपना क्लाउड में ओएस इंस्टॉल कर सकता हूं? तो डीवीडी पहले आपका ना फिजिकली उस सर्वर में होना चाहिए। अगर भाई जिस सर्वर पे आप अपना मशीन बनाने जा रहे हो, बैकएंड में AWS ने क्या कर रखा है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, ये उनका डेटा सेंटर है। डेटा सेंटर में उन्होंने अपने रैक लगा रखे हैं, ऐसे करके रैक के अंदर आपके हाई कॉन्फ़िगरेशन के सर्वर्स हैं जिनको आप हाइपरवाइजर बोलते हैं। इस हाइपरवाइजर पे ही आपका मशीन चलेगा, आपका सर्वर चलेगा। अब मैंने बोला कि यार इस सर्वर पे तो आपका लॉगिन है, क्या आप इस मशीन को लॉगिन कर सकते हो? डीबीडी आप अपना कनेक्ट कहाँ पे करोगे, पेन ड्राइव अपना कनेक्ट आप कहाँ पे करोगे जब इस सर्वर पे आपका एक्सेस होगा? AWS ने तो बोल दिया कि आपका जो ये वाला लेयर है ना वर्चुअलाइजेशन, इस पे आप लॉगिन नहीं कर सकते। तो इन्होंने हमको ओएस के लिए सॉल्यूशन क्या दिया, सिंपल बोला कि मैं आपको ना एक यूटिलिटी, एक रिसोर्स का नाम बता रहा हूँ, वी कॉल इट AMI। फुल फॉर्म क्या होता है इसका, अमेजॉन मशीन इमेज। क्या बोलते हैं इसको, अमेजॉन मशीन इमेज। दोस्तों आप मेरे को थोड़ा सा एक चीज ये बताएं कि जब आप लोग VMware वर्क स्टेशन या फिर Oracle वर्चुअल बॉक्स में अपना जो वर्चुअल मशीन रन करते हैं, उसका जो डिस्क एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है? एक ISO फाइल होता है सबसे पहले आपके पास, क्या वो ISO फाइल से डायरेक्ट मशीन आपका क्रिएट हो जाता है? नहीं होता ना कभी भी। पहले आप क्या करते हैं, उसमें एक डमी पहले अपने लिए ना वर्चुअल कॉन्फ़िगरेशन एलोकेट करते हैं, अपने बेस लैपटॉप में से कितना CPU आपको चाहिए, कितना रैम आपको चाहिए, कितना डिस्क आपको चाहिए। फिर आप अपने ISO को ब्राउज करते हैं कि इसमें जब OS इंस्टॉलेशन होना तो इस ISO से होना चाहिए, वो मेरे लोकल डिस्क में रखा हुआ है। फिर आपका जब ISO बन जाता है ना, पूरा OS जब रेडी हो जाता है, तो आपने देखा होगा एक फाइल एक्सटेंशन आपको मिल जाता है किसके साथ, डॉट VMD के, राइट? तो सेम AWS ने बोला है यहाँ पे कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको चाहिए ना, उसके टेम्पलेट्स मतलब एक बूटेबल इमेज हमने अपने क्लाउड में ऑलरेडी प्लेस कर रखे हैं। आपको क्या करना है, आपको बस ये बताना है हमको कि OS आपको कौन सा चाहिए। हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के इमेज फाइल हमारे पास हैं, लेकिन हम अपने टर्मिनोलॉजी में उनको ISO नहीं बोलते, उनको VMD के फाइल नहीं बोलते, किकआउट टू फाइल नहीं बोलते उनको, ठीक है? और भी जितने भी VHD, जितने भी एक्सटेंशन आप लोग जानते हैं जो कि हमारे OS के लिए सपोर्टेड होते हैं, AWS उन चीजों को क्या बोलता है, AMI, Amazon मशीन इमेज। और ये पता है मशीन इमेज आपके क्या है, ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के इमेज हैं। आप कोई कस्टमाइज करके OS नहीं डालोगे या मैनुअली, दे आर वेल इन प्लेस्ड। अगर फ्यूचर में आपकी कोई रिक्वायरमेंट ऐसी आती है कि मेरे को अपना कोई कस्टम इमेज इंपोर्ट करना है AWS में, उस इमेज के थ्रू मेरे को सर्वर चला के देना है, तो आई विल लेट यू नो। लेकिन बाय डिफॉल्ट आप मान के चले कि एक OS आपको चाहिए ना, तो OS को ही हम यहाँ पे बोलते हैं AMI, Amazon मशीन इमेज। सबसे पहला स्टेप ही आपको बोल रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम बताओ कौन सा OS आपको रन करना है, और सारे OS के जो इमेज है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको AWS नहीं देता है। कुछ OS के इमेजेस चार्जेबल भी हैं और कुछ आपके फ्री अवेलेबल भी हैं। जैसे मेरे को ये कैसे पता चलेगा कि इमेज मेरा, इस OS का जो इमेज AWS मेरे को दे रहा है, दैट आर अंडर द फ्री टीयर और नॉट? तो आपको ना यहाँ उन्होंने टैग लगा के दे रखा है, देखो एक इस वाले इमेज का कोई भी चार्ज आपसे AWS नहीं लेगा। मतलब ये जो इमेज मिल रहा है आपको, अमेज़न अपना लाइनेक्स भी देता है, उन्होंने CentOS को या RHEL को ही कस्टमाइज करके अपना खुद का OS भी बना रखा है विद अमेज़न लिनक्स। रेड का इमेज आपको चाहिए RHEL 8 का, ये भी उन्होंने फ्री टीयर में रखा हुआ है। सूजे लिनक्स आपको चाहिए, और स्क्रॉल डाउन अगर आप करोगे ना नीचे,
आपसे बता रहा है उबंटू का मशीन, माइक्रोसॉफ्ट का मशीन, और नीचे जाओगे ना बहुत सारे। लेकिन देखो यहाँ पे आपसे बोल रहा है, जो ये इमेज मैं आपको दे रहा हूं ना, दैट नॉट कम्स अंडर द फ्री टीयर, मतलब ये वाला जो इमेज है ना, दैट विल बी द लाइसेंस बेस, और आपको इसका चार्ज देना पड़ेगा। मतलब एक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर आपको मिल रहा है विद एसक्यूएल सर्वर, ठीक है। आपने बोला कि यार मेरे को ना उन इमेज को ही लिस्ट करो, उन ऑपरेटिंग सिस्टम के इमेज को लिस्ट करो जो कि फ्री टीयर के अंडर में आते हैं। बस आपने यहाँ से फिल्टर भी लगा सकते हैं। अब जितने भी इमेज आपको यहाँ दिखेंगे ना, ऑल आर फ्री इमेजेस, मतलब आप अपना प्रैक्टिस अगर करना चाहते हैं, यहाँ से कोई सा भी ओएस आप अपना पिक करके अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और आपको अगर कोई अपना अपना खुद का एएमआई प्लेस करना है तो दैट विल कम्स अंडर द माई एएमआई। आपने अभी कोई सा भी इमेज यहाँ पे पुश नहीं कर रखा है, वो मैं आपको बताऊंगा अगर, ठीक है। AWS का मार्केट प्लेस भी है, मतलब अगर AWS के साथ आप ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं ना, जैसे मैं एक डेवलपर हूं, मैंने अपना कोई भी एक इमेज ऐसा बना रखा है जिसमें कि बहुत सारे कस्टमाइजेशन करके एक रेडी टू यूज, लेट सपोज लैम्प सर्वर आप सेल करना चाहते हैं, तो लैम्प सर्वर का इमेज आपने कस्टमाइज किया और AWS के मार्केट प्लेस में उसको पुश कर दिया, बट दैट इज चार्जेबल, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो AWS ने ये जितने भी कस्टमर्स यहाँ पे दिखा रखे हैं ना, जूनिपर एंड माइक्रो, अब इनके इमेजेस अगर चार्जेबल है ना, तो वो आपको पैसे से खरीदने पड़ेंगे, ठीक है। और कम्युनिटी एएमआईज आपको देखने हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के मशीन आपको चाहिए, तो AWS बता रखा है आपको यहाँ पे इतने सारे ओएस के इमेज हैं जो हम आपको अवेलेबल कराते हैं। Amazon Linux हो गया, CentOS हो गया, Debian हो गया, Fedora हो गया, Gentoo हो गया, OpenSUSE, अदर लिनक्स भी आते हैं यहाँ पे, ठीक है। Red Hat भी हो गया, सूजे लिनक्स, Ubuntu एंड आपका विंडोज। अभी हमें क्या करना है, क्विक स्टार्ट में, मतलब जो लेटेस्ट मोस्ट पॉपुलर इमेजेस हैं वो आपको क्विक स्टार्ट में दिखेंगे। जैसे सपोज करो आपको एक RHEL 8 का रेडी टू यूज मशीन चाहिए, ठीक है, या फिर विंडोज का आपको मशीन चाहिए। देखो यहाँ पे बता रखा है आपसे, सिंपल मशीन बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है, चाहे आप लिनक्स का मशीन बनाओ चाहे विंडोज का बनाओ। ओनली द डिफरेंस बिटवीन लिनक्स एंड विंडोज, लॉग इन करने का तरीका दोनों का अलग है। बस मशीन के लिए विंडोज का भी इमेज आपको चाहिए होता है, सेम लिनक्स का इमेज भी आपको चाहिए होता है, तो AWS ने यहाँ पे सिंपल आपको दे रखा है दोनों ही, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहां से अपना RHEL 8 का मशीन मेरे को अगर चाहिए, तो सिंपल जाके मैंने वहां पे RHEL 8 के इमेज पर क्लिक किया। अब आपसे बोल रहा है कि चूज एन इंस्टेंस टाइप। इंस्टेंस टाइप का मतलब क्या होता है, अब एक चीज मेरे को बताओ, जब हम ऑन प्रिमाइसेस भी कोई सर्वर रन करते हैं, हमारे पास इमेज है, इमेज को चलाने के लिए आपको क्या चाहिए, एक सर्वर। वो सर्वर हम बोलते किसके किसको है, हाँ जी, कैन एनी वन टेल मी सर्वर होता क्या है एग्जैक्टली? देखो सर्वर का सीधा सा मीनिंग होता है कि उसमें कुछ रिसोर्सेस होने चाहिए, जैसे कि रिसोर्सेस का मतलब क्या है, उसमें सीपीयू होना चाहिए, रैम होना चाहिए, आपका नेटवर्क NIC लगा होना चाहिए, और फोर्थ चीज आपका क्या है, स्टोरेज। स्टोरेज क्यों ले रहे हैं हम, इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम। AWS ने इमेज तो हमको दे दिया, यार आप RHEL 8 रन करना चाहते हैं तो RHEL 8 का जो टेम्पलेट है ना ओएस का, वो आप सेलेक्ट कर लो, उस वाले ओएस को ही मैं आपके लिए पुश करके दे दूंगा, क्रिएट करके दे दूंगा। लेकिन आपने बोला कि यार ओएस चलाने के लिए तो स्टोरेज की रिक्वायरमेंट मेरे को होती है, एक नेटवर्क की रिक्वायरमेंट भी होती है, रैम की भी होती है, और सीपीयू की भी होती है। यहां पे से अगर मैं स्टोरेज को निकाल दूं ना, तीनों चीजों को मिला के, मतलब आपसे कोई अगर इंटरव्यूअर पूछे ना कि टेल मी द एग्जैक्ट नेम, एग्जैक्ट रिसोर्स नेम, वेयर आई एम गेटिंग द सीपीयू रैम एंड नेटवर्क फॉर माई सर्वर्स इन AWS क्लाउड, तो आपको आंसर क्या करना है, इन तीनों के कलेक्शन को ही हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इंस्टेंस
इंस्टेंस टाइप का मतलब है वर्चुअल हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर सर्वर। कितना सीपीयू, कितना रैम, कितना नेटवर्क आपको अपने सर्वर को चलाने के लिए चाहिए। तो AWS का जो बिलिंग होता है ना, अब मैं बिलिंग की थोड़ी सी आपसे बात कर रहा हूं लेकिन वो टोटल आइडिया आपको नहीं दे रहा हूं। जो बिलिंग आपको कॉस्ट कितना देना है, इट डिपेंड्स ऑन द इंस्टेंस टाइप। जितना हाई कॉन्फ़िगरेशन का सर्वर आप लेते हैं उतना ही कॉस्ट ज्यादा है। तो दो डिफरेंट कंपोनेंट्स का पैसा आप लोग दे रहे हैं। ओएस तो देखो टोटली फ्री हो गया, ओएस का कोई पैसा नहीं दे रहे आप इस वाले सिनेरियो। लेकिन जो AWS को हम पैसा दे रहे हैं ना, एक तो इंस्टेंस टाइप का दे रहे हैं और एक दे रहे हैं स्टोरेज का। दो डिफरेंट रिसोर्सेस हैं, स्टोरेज का पैसा अलग है और सीपीयू रैम नेटवर्क, दैट मीन्स इंस्टेंस टाइप का पैसा आपका अलग है। तो हमें ये डिसाइड करना है जब भी हम कोई सर्वर प्रोविजन करने जा रहे हैं। आपसे बोल रहा है कि स्टूडेंट लेवल से अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैंने जो ऑलवेज फ्री करके आपको दे रखा है ना, टू डॉट माइक्रो, मतलब एक फ्लेवर का नाम दे दिया। जैसे भाई आइसक्रीम तो आइसक्रीम होता है राइट, हर एक आइसक्रीम के रेट अलग होते हैं, बट प्राइजेस बेस्ड ऑन द क्वालिटी एंड टेस्ट। टेस्ट आपने बोला कि यार टेस्ट कुछ का मतलब थोड़ा सा वैसा है, थोड़ा सा ऐसा है, तो आप क्या करते हैं अपने फ्लेवर को चूज करते हैं कि यार मेरे को ये वाला आइसक्रीम लेना है, ये वाला आइसक्रीम लेना है। तो सेम इन्होंने बोल दिया, मैं जो ये कॉन्फ़िगरेशन आपको दे रहा हूं ना, हाउ मेनी वर्चुअल सीपीयू, हाउ मच रैम यू विल गेट, डिपेंड्स कि आपका कॉस्ट आपको कितना मिलेगा। हर एक हार्डवेयर के टाइप को मैंने एक नेम से टैग कर रखा है, T2 डॉट माइक्रो। अगर मैं आपसे बोलूं तो यू विल गेट द वन सीपीयू, वन वर्चुअल सीपीयू एंड 1 GB ऑफ रैम। सेम आप नीचे अगर जाते हैं ना, टोटल अगर मैं आपसे बात करूं, इन्होंने ना इतने सारे सर्वर्स को आपके लिए अवेलेबल करा रखा है। आप देखो यहाँ पे 16 GB रैम आपको मिल रहा है और 16 वर्चुअल सीपीयू और 32 GB आपको रैम मिल रहा है। 96 वर्चुअल सीपीयू, 192 GB ऑफ रैम। दैट्स व्हाई वी कॉल की क्लाउड कंप्यूटिंग कितना स्मार्ट है। अगर ऑन डिमांड आपको एक हाई कॉन्फ़िगरेशन का, जो कि आप अपने ऑन प्रमाइसेस, हमारे सामने जो चैलेंजेस थे ना, यू कैन नॉट बिलीव इट, 384 GB ऑफ रैम आपको एक सर्वर में AWS लगा के दे रहा है। नाउ यू कैन इमेजिन की क्लाउड कंप्यूटिंग और उसके साथ जो NIC सपोर्टेड है ना, अप टू 100 GB, ठीक है। यहां पे जो कॉन्फ़िगरेशन आपको लेना है आप आराम से पिक कर सकते हैं, बट एवरी कॉन्फ़िगरेशन नॉट कम्स अंडर द फ्री टीयर। और जो ये ग्रे आउट जो हो रहे हैं ना, जो ऑप्शंस आप यहां से ले नहीं सकते, इसका मतलब है कि ये वाला हार्डवेयर यहां पे सपोर्टेड नहीं है, फिर आपको AWS का कोई दूसरा रीजन आपको लेना पड़ेगा। या तो इसके दो दो रीजन होते हैं, या तो ये जो हार्डवेयर टाइप था वो ओल्ड जनरेशन का था, लेटेस्ट जनरेशन में इसका AWS ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। दो रीजन इसके हो सकते हैं, या फिर ये हार्डवेयर यहाँ पे सपोर्टेड नहीं है। तो हमें क्या चाहिए, हम प्रैक्टिस के लिए एक सर्वर अगर चाहते हैं, अगर लिनक्स हमें चलाना है, तो 1 CPU एंड 1 GB रैम इज। आप बोलोगे कि सर मेरे इस सर्वर को अगर मेरे को कोई नेटवर्क देना है, क्योंकि AWS ने क्या बोला है हमसे, AWS आपसे दोस्तों बोलता है जब भी आप सर्वर को लॉगिन करते हैं ना, ये मेरा AWS का क्लाउड हो गया। आपने बोला कि मैंने लोकेशन तो अपना चूज कर लिया है, मैं जो अपना सर्वर बना रहा हूं ना, दैट विल बी इनसाइड द मुंबई, AP साउथ 1। अब मैंने आपसे बोला था कि रीजन के अंदर हमारे आते हैं अवेलेबिलिटी जोन, दैट इज द एग्जैक्ट डेटा सेंटर ऑफ AWS। तो हाउ मेनी अवेलेबिलिटी जोन्स आर अवेलेबल इन मुंबई, 3। अब हमें ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि हम अपने सर्वर को कौन से अवेलेबिलिटी जोन में रखना चाहते हैं। लेट सपोज आपने बोला मुंबई के अंदर एक अवेलेबिलिटी जोन है, इस अवेलेबिलिटी जोन का नाम है AP साउथ 1A, यहां पे मैं अपना सर्वर रखना चाहता हूं। नाउ दिस इज योर वर्चुअल मशीन इंस्टेंस, आप जिसको बोल रहे हैं, ये आपका हो गया सर्वर।
आपने बोला कि सर बीच में इंटरनेट आता है, तो मैं अपने सर्वर को ना किसी रिमोट लोकेशन से एक्सेस करता हूं, तो मेरा लैपटॉप ये हो गया, मेरे को पता है कि मैं इंटरनेट पे जा सकता हूं, लेकिन इंटरनेट से मैं इस AWS के डेटा सेंटर में रखे सर्वर को, जो ये सर्वर मेरा है, इसको लॉगिन कैसे करूंगा? AWS आपसे क्या बोलता है, मैं आपके सर्वर को ना दो तरीके के आईपी देता हूं, एक आईपी होता है प्राइवेट, एक आईपी होता है इसका पब्लिक। प्राइवेट आईपी क्या होता है, सर्वर के साथ ना एक डिफॉल्ट ईटीएच आपको मिलेगा, इथरनेट कार्ड जिसको आप लैन कार्ड बोलते हैं, इसका जो नेम आपको मिलेगा ना, दैट विल बी ETH 0। इस वाले लैन कार्ड पे जो एक वर्चुअल आईपी होता है ना, एक आईपी में जो आपको दे रहा हूं डिफॉल्ट नेटवर्क से, वो आईपी होगा प्राइवेट। और मैंने क्या कर रखा है, हर एक डेटा सेंटर को कनेक्ट करने के लिए एक वर्चुअल गेटवे आपको लगा के दे रखा है। क्या बोलते हैं हम इसको, या तो इंटरनेट गेटवे बोल दो आप, या इसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल गेटवे। मतलब जो भी ट्रैफिक आपका इस वाले सर्वर के लिए आएगा, तो हम प्राइवेट आईपी से लॉगिन नहीं करेंगे अपने सर्वर को, हमेशा जो सर्वर हम लॉगिन करने वाले हैं बाय यूजिंग द पब्लिक आईपी। अभी के लिए आप ये मान के चले कि अगर सर्वर पे आपने पब्लिक आईपी नहीं लिया, तो AWS क्लाउड में रखे सर्वर को आप लॉगिन नहीं कर सकते हैं। Can anybody tell me what is the difference between private and public IP? हाँ जी, पब्लिक आईपी वी कैन एक्सेस ग्लोबली एंड प्राइवेट आईपी हम लोग अपना खुद का उसमें एग्जैक्टली, बिल्कुल ये एप्लीकेशन। डिफरेंस होता है कि पब्लिक आईपी एक ऐसा एंड पॉइंट होता है जो कि वर्ल्ड वाइड इंटरनेट से कहीं से भी एक्सेसिबल होता है। दैट्स द रीजन, आप लोगों ने देखा होगा जितने भी वेबसाइट्स जिनको आप इंटरनेट पे एक्सेस करते हैं ना, हर एक वेबसाइट बैकएंड में क्या यूज करता है, पब्लिक आईपी को। गूगल, याहू, जीमेल, जितने भी आपके सर्वर्स को आप जानते हैं ना, जितने भी आप वेबसाइट्स को ओपन करते हैं, facebook.com, सब वेबसाइट बैकएंड में एक आईपी यूज करते हैं, और वो आईपी होता है हमारा पब्लिक। सेम AWS ने बोला कि आप रिमोट लोकेशन से जब आओगे ना इस सर्वर पे, आपको एवरी टाइम जो यूज करना है ना, वो पब्लिक आईपी को यूज करना है। और पब्लिक आईपी का जो इंफॉर्मेशन आपका होता है ना, इस वर्चुअल गेटवे पे होता है। ट्रैफिक यहाँ पे रिसीव होगा पब्लिक आईपी पे, और वो ट्रैफिक जस्ट एक ट्रांसलेट होके, सारी चीजों की मैं बहुत डिटेल्स में बात करूंगा कि नेटवर्क फ्लो पूरा क्या होता है। अभी के लिए बस मान के चले कि मेरे को एक गेटवे मिला है, जहां से मैं एंटर करूंगा अपने सर्वर पर, ट्रैफिक भेजूंगा ओवर द प्राइवेट आईपी। ट्रैफिक जो मेरे सर्वर का आएगा वो पब्लिक आईपी पे आएगा, और वो ट्रांसलेट होके कन्वर्ट हो जाएगा प्राइवेट। यहाँ पे ना आपसे वही डिटेल्स ये पूछ रहा है, कितने सर्वर्स आपको ऐसे चाहिए। मतलब अगर आपने यहाँ पे दो किया, इसका मतलब हो गया RHEL 8K, मतलब रेड हैट लिनक्स 8 का दो मशीन आपको चाहिए, विद 1 GB रैम, 1 CPU ऑफ। हाँ जी, सो दैट मींस वहां पे नेटिंग यूज हो रही है बैकएंड में। अब मैं आपको बताऊंगा, अभी कुछ भी मैं नहीं बता रहा कि नेटिंग यूज हो रहा है कि क्या हो रहा है, ठीक है? अभी बस मान के चले कि एक गेटवे लगा है, गेटवे लगा है यहाँ पे, पब्लिक आईपी मेरे को मिला हुआ है अपने सर्वर का, और उसको आईपी के थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, बस इस सर्वर को लॉगिन कर ले रहा हूँ। सिर्फ पर्पस क्या होता है, मतलब दो आईपी पब्लिक का तो समझ में आ गया, चलो बाहर से एक्सेसिबल करना, एक्सेस क्योंकि करना प्राइवेट प्राइवेट। आईपी और पब्लिक आईपी में डिफरेंस होता है, पब्लिक आईपी इज एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर, प्राइवेट आईपी। दैट आई नो, मतलब प्राइवेट पर्पस क्या हो गया, मतलब दो आईपी रखने का पर्पस क्या हो गया। पब्लिक तो मुझे समझ में आ गया कि बाहर से एक्सेस करना है किसी को, इसलिए रखा हुआ। प्राइवेट का पर्पस क्या हो गया, इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए। मतलब विद इन द AWS डेटा सेंटर, एक ये मान के चले हैं, जैसे आपने बोला मेरे पास इस सेम डेटा सेंटर में एक सर्वर और है, ठीक है? अब इन दोनों सर्वर्स में मैं बात करना चाहता हूं, तो आई विल यूज प्राइवेट आईपी। तो इन दोनों सर्वर को ओवर द इंटरनेट में एक्सेस करना चाहता हूं, तो आई विल यूज पब्लिक आईपी।
मैं आगे चल के कुछ ऐसे लैब भी हम लोग करने वाले हैं कि इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू टेक एवरी टाइम पब्लिक आईपी ऑन सर्वर्स। और ये AWS भी बोलता है कि अगर आप इफ यू आर टेकिंग द पब्लिक आईपी ऑन एवरी सर्वर देन आप अपने सिक्योरिटी को कुछ जानबूझ के क्या कर रहे हैं, लीक कर रहे हैं। यू आर सेंडिंग द ट्रैफिक ओवर द इंटरनेट, दैट मींस कि एनीवन कैन एक्सेस और एनीवन कैन सी द इंफॉर्मेशन ऑफ योर डेटा। You are not the single one who is working over the internet. There have n number of users. They are working simultaneously over the internet. तो इंटरनेट से अगर आपको थोड़ा सा अपने डेटा को सिक्योर करना है तो पब्लिक आईपी के कम्युनिकेशन को आपको यहाँ पे रोकना पड़ेगा। हम एक टॉपिक पढ़ेंगे VPN, how we can set up the virtual private network in AWS cloud. सेम थिंग इज हैपन विद अस सर। एक्चुअली हमारे पास मोर देन 500 to 600 सर्वर्स हैं, मींस इंस्टेंसेस हैं, बट कुछ उसमें ऐसे ही जो सिक्योरिटी लेवल है RDP ओपन है सब में, क्योंकि वो बाहर से यूजर्स एक्सेस करते हैं उसको। कभी कभी क्या होता है कि उन इंस्टेंसेज में कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो जिससे हमें वो टर्मिनेट करने पड़ते हैं, मतलब उसकी EXE वगैरह सब कुछ टेक्स्ट लेवल पे डाल देते हैं वो लोग, MAR तो अभी हमें देखो क्या करना है। अगर आपने दो यहाँ पे नंबर लिया, इसका मीनिंग हो गया कि दो सर्वर की रिक्वायरमेंट आपको है, सेम कॉन्फ़िगरेशन के दो सर्वर आपको चाहिए, ठीक है। आपने बोला कि नहीं अभी टेस्टिंग के लिए मैं पढ़ रहा हूँ इनिशियली, तो आई विल वन सर्वर। और यहाँ पे आपसे बोल रहा है ना नेटवर्क, मैंने ना एक सर्विस की तो आपसे बात करी कि EC2 जो देता है ना वो ओनली सर्वर देता है। सर्वर के साथ आप एक क्वेश्चन करते कि सर जो EC2 सर्विस है क्या वो नेटवर्क पार्ट के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है, मतलब मैं अपने 1000 सर्वर्स इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर AWS क्लाउड में लगाने वाला हूं तो क्या एक सिंगल सर्विस हर एक काम को देता है, मतलब स्टोरेज भी यही दे रहा है, OS भी यही दे रहा है, नेटवर्क भी यही दे रहा है और सारी चीजों की फायरवॉल की मेरे को जरूरत होगी तो क्या सब चीजें EC2 ही देता है? नहीं। यहाँ पे दो AWS के सर्विसेज पिक्चर में आते हैं, आएंगे तो बहुत सारे। अगर आपको इसके साथ मॉनिटरिंग चाहिए तो एक AWS का दूसरा सर्विस आपको लेना पड़ेगा। अभी हमने क्या बोला, हमें सर्वर चाहिए। सर्वर को लॉगिन हम कैसे करते हैं तो AWS बोलता है कि यू हैव द सिंगल वे। ऐसा तो हम नहीं कर सकते कि AWS के डेटा सेंटर में गए और वहां कंसोल केबल हमने लगाया सर्वर को एक्सेस कर लिया, नहीं। एवरी टाइम वी हैव द सिंगल वे टू कम्युनिकेट द AWS रिसोर्सेस वाया प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी। तो ये दोनों चीजें मिलते कहां से हमें, इन्होंने हमको बोला कि एक AWS का सर्विस है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, बीपीसी। फुल फॉर्म क्या है इसका, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। मतलब AWS में अगर आपको नेटवर्क एज अ सर्विस आपको चाहिए, आपको अपना खुद का कस्टम नेटवर्क बनाना है, फिर उस नेटवर्क से अपने सर्वर्स को आईपी आपको दिलाना है। आपने बोला कि हो सकता है कि मैं अपने सर्वर्स को 10 की रेंज का आईपी देना चाहता हूं, 192 क्लास सी का आईपी देना चाहता हूं, क्लास बी का कोई आईपी देना चाहता हूं। जो नेटवर्क मैं अपने ऑन प्रमाइसेस यूज करता था सेम नेटवर्क में AWS में अपने सर्वर्स को देना चाहता हूं, तो विच सर्विस इज रेस्पॉन्सिबल। नेटवर्क एज ए सर्विस मेरे को क्या मिलता है, कौन सा सर्विस है जो मेरे कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर के नेटवर्क को मैनेज करता है, तो सर्विस कॉल बीपीसी। उन्होंने क्या किया यहाँ पे, आपसे बोला कि आप ना एन नंबर ऑफ नेटवर्क अपने बना सकते हो, हर एक नेटवर्क को ना एक लॉजिकल आईडी आपको देना पड़ेगा, या तो रिसोर्स आईडी उसको बोलते हैं या फिर लॉजिकल आईडी। आपसे क्या बोल रहा है कि एक नेटवर्क यहाँ पहले से AWS ने बना के दे रखा है, तो आप लोग बोलोगे कि सर ये नेटवर्क आपने पहले क्यों नहीं बनाया, जो ये नेटवर्क आपको यहाँ पे उसका नेम दिख रहा है विद दिस आईडी, ये आपने पहले से बना रखा था? नहीं। AWS क्या करता है, AWS के हर एक रीजन में, हर एक अकाउंट में ये सेटिंग ना आपको सेम मिलेगा, चाहे मैं अपना अकाउंट लॉगिन करूं चाहे आप अपना अकाउंट लॉगिन करें। 24 रीजन्स में
नेटवर्क भी आइसोलेट है, जैसे हर एक रिसोर्स आइसोलेट है तो नेटवर्क भी आइसोलेट है। आप ऐसा ना मान के चले कि नेटवर्क कॉन्फ्लिक्ट करता है या एक नेटवर्क से ही हर एक रीजन में मैं सर्विस बना दूंगा, नहीं। अगर आप मुंबई में काम कर रहे हैं तो मुंबई में ही बीपीसी सर्विस अपना आप सर्च करेंगे ना, तो AWS ने हर एक यूजर को ना एक डिफॉल्ट नेटवर्क बना के दे रखा है इस रेंज का। मतलब आपके सर्वर को जो प्राइवेट आईपी मिलेगा ना वो 172 से स्टार्ट होगा, और नेटवर्क भी होगा वो यही होगा। आप ये बोलोगे सर अगर मेरे को सपोज करो मुंबई में 3 अवेलेबिलिटी जोन है, एपी साउथ 1A, एपी साउथ 1B, एपी साउथ 1C, तो क्या ये जो नेटवर्क है वो सिंपल फ्लैट है? मतलब इसमें फर्दर मेरे को ब्रेक करना है ना, मैं तो ये चाहता हूं कि जो मेरा एपी साउथ 1A है ना उसमें एक स्मॉल सबनेट मिल जाए मेरे को बस, ना कि कंप्लीट नेटवर्क मेरे को चाहिए। इतने आईपीस का मैं करूंगा क्या? मेरे को कैलकुलेशन करना है कि मेरे को 50 आईपी चाहिए, 60 आईपी चाहिए। तो इन्होंने पता है क्या कर रखा है, जो ये डिफॉल्ट नेटवर्क बना रखा है ना उसको फर्दर सबनेट्स में भी ब्रेक कर दिया है। सबनेट्स में ब्रेक करने का मतलब क्या हो गया? अगर एक रीजन में, एक मिनट दो बस, पहले एक रीजन में अगर 3 अवेलेबिलिटी जोन है, जैसे कि एपी साउथ 1A, एपी साउथ 1B, एपी साउथ 1C, 3 अवेलेबिलिटी जोन हो गए, तो AWS पता है क्या कहता है, मैंने इस वाले नेटवर्क से कितने सबनेट्स अटैच कर रखे हैं? 3 सबनेट्स आपको ऑलरेडी क्रिएट करके दे रखे हैं। 3 सबनेट क्यों? 1 सबनेट फॉर ईच अवेलेबिलिटी जोन। अगर सेम चीज मैं आपसे बोलूं, ये हो गया मुंबई के लिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि नॉर्थ वर्जीनिया का बताओ, हाँ जी, नॉर्थ वर्जीनिया में नेटवर्क तो यही होगा कि मैंने आपसे बोला हर एक रीजन में आप जाओगे तो नेटवर्क सेम मिलेगा आपको, बट वो नेटवर्क कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा बिकॉज बोथ रीजन आर लॉजिकली आइसोलेट। आइसोलेट का मतलब क्या है? वो बिल्कुल अलग है। नेटवर्क वहां पे आप सेम भी ले सकते हैं और अलग भी ले सकते हैं। अब आप मेरे को ये बताएं कि नॉर्थ वर्जीनिया में कितने अवेलेबिलिटी जोन मैंने आपको बताए थे, तो एक यहाँ पे कितने सबनेट होंगे? 6 सबनेट। हर एक अवेलेबिलिटी जोन में कितना एक कितने सबनेट आपको मिलेंगे बाय डिफॉल्ट? एक सबनेट बाय डिफॉल्ट मिलेगा, राइट? मतलब 2 AZ हैं तो 2 सबनेट, और एक एक सबनेट ही AWS ने बना के दिया है। मतलब उन्होंने कस्टमर से या स्टूडेंट से ऐसा बोला हुआ है कि आप जब आप कोई अपना जब नए नए आप AWS से एसोसिएट हुए हैं ना, तो आपको नेटवर्क वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नहीं भी आता है ना तो मैंने आपके अकाउंट में पहले से वो चीजें ना सेटअप करके दे रखे हैं, बाद में आप उनको डिलीट कर देना मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो अकाउंट आपका है, आप उसको डिलीट करें रखें ये आपको मतलब है। लेकिन आप ये भी नहीं जानते ना कि मैं नेटवर्क सेटअप कैसे करूंगा, तो दैट्स वाई मैंने सारी चीजें आपको ना पहले से डिफॉल्ट सेटअप करके दे दी। अभी आप अपना क्वेश्चन पूछो, कोई क्वेश्चन पूछ रहा था। प्रशांत बोल जी, रहा हूँ। एक्चुअली मेरे को ये थोड़ा नेटवर्क का आइडिया थोड़ा क्लियर नहीं हुआ मेरे को, यहाँ तक तो समझ में आया कि एक रिकॉर्डिंग मैंने सबको शेयर किया था बेसिक नेटवर्किंग करके, वो हाँ, गो थ्रू किया आपने? मैंने वो आज ही सुबह देखी थी वो वीडियो। एक्चुअली तो सुन लिया पूरा, हाँ, समझ नहीं आया? नहीं वो मेरे को क्लियर तो हुआ उसमें, बेसिकली जो आईपी का और सबनेट का जो पूरा डिटेल में समझाया था। नहीं अभी AWS के एस्पेक्ट में थोड़ा सा मेरे को समझना है कि जैसे अभी आपने डायग्राम दिखाया कि ये लैपटॉप है, ये ओवर द नेट क्लाउड है, और ये फिर ये मतलब पब्लिक आईपी से हम कनेक्ट कर रहे हैं। अब इसमें इसमें नेटवर्क को मैं थोड़ा सा कनेक्ट नहीं कर पा रहा, रिलेट नहीं कर पा रहा। मतलब इसमें नेटवर्क बेसिकली ये इंटरनेट और इंस्टेंस के बीच में कनेक्शन करने के लिए जो आईपी क्रिएट होगा उससे रिलेटेड ऐसा कुछ। ऑन प्रमाइसेस कोई सर्वर आप बनाते हैं तो उसको आईपी कहां से मिलता है, बताओ मेरे को, आंसर करो आप। आईपी कहां से मिलता है? आईपी आप असाइन करते हैं ना,
वो आईपी आपने क्यों दिया 192.168.10.1, वो आईपी हम लोग क्यों देते हैं, क्योंकि हमें पता है ना कि इस नेटवर्क को मैंने अलाउ कर रखा है समवेयर ऑन राउटर साइड। ओके, तो राउटर क्या है, आपका गेटवे का काम करता है ना। अब मैंने बोला उस राउटर से एक्सटर्नल कम्युनिकेशन आप नहीं कर सकते, जैसे कि हमेशा कहीं कभी भी आपने ऐसा देखा कि एवरी टाइम हम लोग डेटा सेंटर में जाके काम करते हैं, नहीं। आप अपने सिस्टम में पुट्टी के थ्रू ही तो लॉगिन करते हैं सर्वर्स को, हाँ। तो आप कैसे एंश्योर करते हैं कि मेरा मेरी रीचेबिलिटी वहां तक है, क्या आपके लैपटॉप का और जिस सर्वर को आप लॉगिन कर रहे हैं आईपी दोनों का रेंज सेम होता है। हाँ, पुट्टी में लॉगिन करें पब्लिक आईपी से। आंसर वो करो, लैपटॉप का आईपी आपका एक्चुअल आईपी और जिस सर्वर को आप लॉगिन कर रहे हैं वो आईपी अलग अलग होता है ना, तो अलग अलग नेटवर्क को बात कौन कराता है, दो डिफरेंट नेटवर्क को आईटी में ऐसा कौन सा डिवाइस है जो कम्युनिकेट कराता है, राउटर कराता है ना। तो आप अब मेरे को एक चीज बताएं, आपका ये सिस्टम हो गया और मुंबई तक कैन यू इमेजिन कि कितने आईएसपीज के नेटवर्क से आपका ट्रैफिक जाएगा, बहुत भाई। यहाँ पे भी प्राइवेट यूज कर रहे हैं और आपके लैपटॉप को भी प्राइवेट आईपी ही मिलता है, हाउ यू कैन कम्युनिकेट। तो इन्होंने बोला कि एक पब्लिक आईपी ऐसा होता है जो कि आईएसपी के कंट्रोल में होता है। अगर हम अपने नेटवर्क की बात करें, आईटी में नेटवर्क में दो ही आईपी होते हैं, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। पब्लिक आईपी को आईएसपी मैनेज करता है, प्राइवेट कस्टमर या यूजर के कंट्रोल में होता है, वो कैसे भी उसको यूज करे। तो यहाँ पे सीधा सा कम्युनिकेशन का जो मीनिंग है ना, वो ये कहते हैं कि प्राइवेट जो यूज कर रहे हैं ना आप कुछ भी यूज करें, लेकिन जो पब्लिक है ना वो पब्लिक आईपी AWS ही मैनेज करता है, आप अपने मन से नहीं दे सकते पब्लिक आईपी। अभी आपके सर्वर को जो आईपी मिलेगा ना पब्लिक, दैट विल बी प्रोवाइडेड ऑटोमेटिकली बाय AWS, ठीक है। तो यहाँ पे बात होती है कि आप दो नेटवर्क को बात कैसे करा सकते हैं। AWS ने सिंपल बोला कि मैंने अपने डेटा सेंटर में ना गेटवेज लगा रखे हैं और गेटवेज को ही ना राउटर ही बोलते हैं। ओके ओके, तो ये पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी के बीच में कम्युनिकेशन के लिए हम बीपीसी का यूज आता है, राइट। बीपीसी तो एक सर्विस हो गया जो कि नेटवर्क को मैनेज कर रहा है। भाई इस फ्लो को मैनेज कौन करता है पूरा, हु विल गिव द आईपी फॉर दिस सर्वर। तो अच्छा, तो बीपीसी असाइन करेगा आईपी सर्वर को। भाई आप अपने ऑन प्रमाइसिस मेरे को आंसर करो कि सर्वर्स के कम्युनिकेशन को जब डिफरेंट आईपी रेंज में होते हैं तो क्या डिवाइसेस आप लगाते हैं, राउटर स्विच ही तो लगाते हैं। क्यों लगाते हैं वो, क्योंकि मेरे को हर एक सर्वर को पिंग पोंग कराना है आपस में, लेकिन वो मेरे कंट्रोल में है सारी चीजें। अब AWS क्या बोलता है, भाई मैं आपको डायरेक्ट राउटर या स्विच पे लॉग इन नहीं दे रहा हूं, मैंने राउटर और स्विच को एक सर्विस का नाम दे दिया बीपीसी। ओके, और वो बैकएंड में है कुछ नहीं, हर एक स्विच का काम क्या होता है, मल्टीपल पीसीज को कनेक्ट कराना। और राउटर का काम क्या होता है, दो डिफरेंट या दो से ज्यादा नेटवर्क को पिंग कराना। तो इन्होंने बोला है कि जिस चीज को आप गेटवे बोल रहे हैं ना, वो ये आपका राउटर का काम कर रहा है। बस डिफरेंस क्या हो गया, ऑन प्रमाइसिस वो राउटर आपके कंट्रोल में है, आप उस पर डायरेक्ट लॉगिन भी कर सकते हैं, लेकिन AWS में उस राउटर का ना एक इंटरफेस GUI इंटरफेस आपको मिला है, उस सर्विस को इन्होंने नाम दे दिया बीपीसी। अब नेटवर्क का कंपोनेंट राउटर ही नहीं होता, नेटवर्क में बहुत सारी चीजें आती है, लोड बैलेंसर भी नेटवर्क के डिवाइस माना जाता है, फायरवॉल भी नेटवर्क के डिवाइस आते हैं, गेटवे भी, एक गेटवे को भी मल्टीपल तरीके से हम यूज कर सकते हैं एक राउटर को ही। राउटर का एक काम पिंग कराना ही नहीं होता, बहुत सारे काम होते हैं राउटर के जो आप उसको कस्टमाइज करके यूज कर सकते हैं। तो AWS ने क्या कर रखा है, बैकएंड में फिजिकल राउटर्स ही हैं, स्विच हैं, सर्वर्स हैं, उनका जो ग्राफिकल एक्सेस है ना वो आपको दे रखा है, लेकिन चीजें वो बैकएंड में फिजिकली ही हो रही हैं, ठीक है। तो हम वीपीसी को बेसिकली राउटर की तरह से, राउटर से कंपेयर कर सकते हैं कि अगर राउटर ही वो कर सकते हैं, बट इंटरव्यू में मत बोला कि इट्स अ राउटर। ओके, सर्विस है वो, एक सर्विस है जो नेटवर्क को मैनेज करता है पूरा, नेटवर्क मैनेज करता है। ओके, तो अगर इसको इसको प्रॉपर डिफाइन करें तो हम बोल सकते हैं कि वीपीसी एक सर्विस है जो नेटवर्क को मैनेज कर रहा है और ये जो हमारे इंस्टेंसेस होते हैं उनको आईपी प्रोवाइड करता है। मेरे क्लाउड में, वन लाइन आंसर देना है, इन माय क्लाउड
वट एवर द मतलब ऐसा पार्ट द कॉन्फिग्रेशन विच आई वॉन्ट टू मैनेज फ्रॉम द नेटवर्क साइड. इफ आई वॉन्ट टू प्रोवाइड द आईपी एड्रेसेस फॉर माई सर्वर, आई वॉन्ट टू डिफाइन द गेटवेज, आई वॉन्ट टू जस्ट अलाउ द कम्युनिकेशन बिटवीन द सर्वर्स, देन डीपीसी सर्विस इज रेस्पॉन्सिबल. ठीक है, ओके, ठीक है. यहाँ पे देखो आपसे सीधा सा बोल रहा है कि ये आपने एक नेटवर्क बना रखा है, लेकिन आप अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर क्या इस चीज को हम देख सकते हैं कहीं पे. अगर ये चीज मेरे को कहीं दिख रही है तो ये कहीं ना कहीं तो अवेलेबल होगा, राइट जी. ये चीज इंफॉर्मेशन मिल कहां से रहा है मेरे को, तो आप क्या करें एक डुप्लीकेट यहां से पहले एक सेशन एक टैब ओपन कर लें. ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं कि ये चीज आपको आ कहां से रहा है. ये चीज ईसी टू में कहीं डिफाइन नहीं है. ईसी टू सर्विस आपके दूसरे सर्विस से बात कर रहा है टू एक्सेस द नेटवर्क रिसोर्सेस. अगर आप इसको यहां से कैंसल एंड एग्जिट करते हैं, आपको यहां पे ना एक दूसरा सर्विस सर्च करना है बीपीसी, बट एंश्योर करना कि ये रीजन आपका चेंज नहीं होना चाहिए. अगर सर्वर आप मुंबई में बना रहे हैं, सर्वर आप कहां पे बना रहे हैं, मुंबई में, तो आपका जो बीपीसी सर्विस है ना वो भी मुंबई में ही आपको सर्च करना है. हम कहां पे आ गए, मुंबई में. सर्विस हमने कौन सा ओपन किया है अभी, बीपीसी. देखो यहां पे अगर आप क्लिक करते हैं ना, योर बीपीसी मतलब आपका नेटवर्क क्या बोल रहा है आपसे, आईडी क्या बता रहा है यहां पे, आईडी क्या है इसका, F3B2. यहां पे कंपैरिजन करो इसका F3B2. ठीक है, नेटवर्क क्या बता रहा है कि ये नेटवर्क आपने बना रखा है, लेकिन मैंने आपसे क्या बोला था कि इस नेटवर्क से बात नहीं बनती है, क्योंकि नेटवर्क तो ये बताता है कि आपका पेरेंट जो डोमेन है उसमें रेंज क्या है. अब आपने इसको ब्रेक कर रखा है अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी जोन आईपी एड्रेस रिक्वायरमेंट. नेटवर्क के अंदर आते हैं सबनेट्स. सबनेट्स का क्या बोल रहा है आपसे, सबनेट्स अगर आपने यहां पे चेक करे, आपसे बोल रहा है कि यू हैव द 3 सबनेट्स अवेलेबल हियर. क्या बोल रहा है, एक आपका है /20, एक आपका ये है, एक आपका ये है, लेकिन मैंने आपसे क्या बोला था, हर एक अवेलेबिलिटी जोन में होगा. आपसे ना यहां पे बता रहा है कि एक एपी साउथ 1A के लिए है, एक एपी साउथ 1B के लिए है, एक एपी साउथ 1C के लिए है. अब मेरे को आप ये बताएं कि सर्वर हम कहां पे रन करना चाहते हैं, एपी साउथ 1A में या 1B में या 1C में. जी आपसे ना देखो यहां पे ये बोल रहा है, नीचे आप अपना सबनेट चूज कर लो. बाय डिफॉल्ट क्या बोल रहा है आपसे, नो प्रिफरेंस. मतलब मुंबई में 3 अवेलेबिलिटी जोन है और आपने अगर कोई भी यहां पे चूज नहीं किया ना, तो AWS अपने साइड से ही या तो सर्वर को आपके एपी साउथ 1A में प्रोविजन कर देगा, या 1B में प्रोविजन कर देगा, या फिर 1C में. लेट सपोज आपने बोला कि 3 अवेलेबिलिटी जोन है, वो ये सबसे पहले आ रहा है सबनेट का आईडी. सबनेट का आईडी क्या बोल रहा है, D0C0. क्या बोल रहा है कि अगर आपने ये चूज किया ना तो आपका सर्वर कहां पे बनेगा. हाँ जी म्यूट कर लो एक दो लोग. कहां पे बनेगा, 1A में. आप कैसे वेरीफाई करोगे कि ये सबनेट करेक्ट है यहाँ पे, आप यहां जाओ. क्या बोल रहा है आपसे, D0C0 राइट. क्या बोल रहा है आईडी में, क्या आ रहा है लास्ट में यहाँ पे, D0C0, नॉट बीपीसी आईडी, सबनेट का आईडी. ये चीजें मैं बताना अभी आपको बताना है कि कस्टम आप अपना कैसे बनाओगे. अगर मैंने यहां से 1B चूज कर लिया तो 1B का क्या बोल रहा है आपसे, 1B कंपेयर करो. 1B है आपका ये वाला, इसका आईडी अगर आप देखोगे क्या बता रहा है, 6A4B. यहां पे भी क्या लिखा रहा है, 6A4B. कितने आईपी एड्रेस यहां पे अवेलेबल है, 4090. सेम चीज आपको यहां पे दिखेगा. अगर आप यहां देखना चाहते हैं कि इस सबनेट में कितने आईपी एड्रेस में लगा सकता हूं, मतलब वैलिड होस्ट,
सर्वर्स में रन कर सकता हूं। तो आपने अगर यहाँ पे नो प्रेफरेंस दिया ना, ये क्या करेगा, सर्वर को तो अवेलेबिलिटी जोन में ही बनाएगा, लेकिन अपने मन से चूज कर लेगा जहां पे ज्यादा रिसोर्सेस अवेलेबल है वहां सर्वर को अपने आप से आपके क्रिएट करके AWS दे देगा। नहीं तो आप फोर्सफुली बता सकते हैं कि मेरा सर्वर AP South 1A में बनना चाहिए। अब AWS आपसे नेक्स्ट सेटिंग बोलता है कि ये तीन चीजें ही आपको देखनी है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। म्यूट कर लेना अभी, है ना। ऑटो असाइन पब्लिक आईपी, अनम्यूट वही किया करें जिनके बैकएंड से नॉइज नहीं आता है, ठीक है। अनम्यूट करने को मैं अगर बोल रहा हूं तो अपना बैकएंड थोड़ा चेक कर लिया करो, अभी कोई बैकएंड से ना नॉइज आ रहा है किसी के। ऑटो असाइन पब्लिक आईपी आपसे बोल रहा है कि अगर एक सर्वर को आप पब्लिक आईपी देना चाहते हैं ना, यहां से इस ऑप्शन को कर दें इनेबल। अगर आपने इनेबल किया तो सर्वर को पब्लिक आईपी मिलेगा, आपने अगर डिसेबल किया तो कोई भी पब्लिक आईपी नहीं मिलेगा सर्वर को, यू विल गेट ओनली प्राइवेट आईपी। एक चीज आप मेरे को बताएं, अगर हमने इस ऑप्शन को डिसेबल कर दिया तो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट। तो जैसे अभी आपने कहा था कि लैपटॉप को हम AWS इंस्टेंस कनेक्ट पब्लिक आईपी से ही कर पा रहे थे, अगर वो डिसेबल कर देंगे तो फिर अगर आपने करेक्शन। बोला कि मैं पब्लिक आईपी नहीं लेना चाहता हूं, ये पब्लिक आईपी आपके सर्वर को नहीं मिलेगा, इम्पैक्ट पता है बस इतना सा है कि आप यहां से सर्वर को लॉग इन नहीं कर पाएंगे, दैट्स इट। ऐसा नहीं है कि बिना पब्लिक आईपी के सर्वर आप बना ही नहीं सकते। सर्वर यू कैन क्रिएट बट यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेस फ्रॉम द इंटरनेट या फिर रिमोट लोकेशन। दैट्स व्हाई मैंडेटरी है अभी के प्रैक्टिस के लिए कि एवरी टाइम वी हैव टू इनेबल दिस ऑप्शन। दोनों का मतलब सेम ही होता है, या तो ये वाला ऑप्शन लो या फिर ये ऑप्शन लो, दोनों का मतलब सेम है। तो डाउट ये है कि, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पब्लिक डिसेबल है तो हमें फिर मतलब जो जहाँ पे डेटा सेंटर फिजिकली लोकेटेड है वहां से करना पड़ेगा एक्सेस। बाद में नहीं कर सकते, बाद में पब्लिक आईपी आपको मिलेगा लेकिन वो बाद में इलास्टिक आईपी बोलते हैं उसको। नहीं, जैसे अगर हमने डिसेबल कर दिया पब्लिक आईपी तो बिना पब्लिक आईपी के तो हम रिमोट लोकेशन से एक्सेस नहीं कर पाएंगे, हाँ तो इसका मतलब हमें जहाँ पे डेटा सेंटर फिजिकली लोकेटेड है वहां पे वहीं से कर पाएंगे, मतलब फिर हम। तो AWS तो ये बोलता ही नहीं ना हाँ, आपसे बोलता कि ही नहीं है वो। यू कैन नॉट, नेवर। यू हैव द ऑप्शन टू इनेबल, इधर इनेबल और डिसेबल आपने किया ना तो फिर आपके पास, देखो ये हम कर सकते हैं जैसे कि इस सर्वर पे हम पब्लिक आईपी नहीं लेते हैं और एक नया सर्वर बनाया उस पर पब्लिक आईपी ले लें हम, यानी कि पहले हम इस सर्वर को लॉग इन कर लें, यहां से फिर इस सर्वर को इंटरनली हम क्या कर सकते हैं, प्राइवेट आईपी से लॉग इन कर सकते हैं। ओके, अब अच्छा फिर हम उसको कनेक्ट कर सकते हाँ हैं। ठीक है, वो सब चीजें मैं बताऊंगा आपको, है ना, डिटेल्स में देखेंगे। कनेक्टिविटी मैं पूरा समझाऊंगा आपको हर तरीके से, प्राइवेट पब्लिक इंटरनल एक्सटर्नल सब कुछ, ठीक है। आप देखो नेक्स्ट ऑप्शन में आपसे बोल रहा है कि स्टोरेज आप कितना चाहते हैं सर्वर पे। स्टोरेज को बोलते हैं हम यहाँ पे वॉल्यूम, मतलब एक वर्चुअल डिस्क, हार्ड डिस्क जो सर्वर में चाहिए आपको, कितना ओएस के लिए स्टोरेज आपको चाहिए। ये आपसे बोल रहा है प्राइमरी डिस्क आपको मिलेगा जिसको प्राइमरी पार्टीशन, रूट पार्टीशन हम लिनक्स में बोलते हैं, और उसका साइज कितना होगा, 10 GB। आप इसको ज्यादा लेना चाहते हैं 15 GB तो 15 GB भी कर सकते हैं, और आप चाहते हैं कि 10 GB ठीक है तो आप 10 GB से भी अपना काम चला सकते हैं। और लेटर ऑन जैसे आपने बोला कि सर एक बार 10 GB से मैंने बना दिया और बाद में मेरे को इसको ज्यादा करना पड़ा, तो वो भी कर सकते हैं, वी विल सी इन द स्टोरेज चैप्टर। और एडिशनल स्टोरेज चाहिए तो यहां से आप अटैच कर सकते हैं। तो ये सब चीजें मैं आपको स्टोरेज वाले टॉपिक में बताने वाला हूँ। एडिशनल डिस्क लेना, डिलीट करना, एक्सटेंड करना, रिड्यूस करना, सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपसे बोल रहा है कि सर्वर को एक मीनिंगफुल आप अपना नेम देते हैं कोई भी। लेट्स सपोज ये मेरा है एक लाइनेक्स सर्वर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपसे, सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप का दोस्तों यहां पे मतलब होता है कि फायरवॉल, आप इसको समझ सकते हैं एक वर्चुअल फायरवॉल, नॉट फिजिकल नहीं बोलूंगा मैं,
इसको बोलूंगा वर्चुअल फायरवॉल। इससे पहले थोड़ा सा मेरे को ये बताएं, कंपनीज में फायरवॉल जो डिवाइस हम लोग लगाते हैं फिजिकल, उसका यूज केस क्या होता है? वी आर जस्ट टेकिंग द फायरवॉल इन कंपनीज, क्या सिक्योरिटी के लिए बेसिकली इंट्रूजन और एक्सटर्नल यूजर से सिक्योरिटी? क्या मतलब फायरवॉल करता क्या है, सिक्योरिटी में क्या चीज हमें देता है? सिक्योरिटी तो बहुत सारी चीजें होती है, रूट का पासवर्ड लगा दिया वो भी सिक्योरिटी, अनऑथराइज्ड अनवांटेड एक्सेस को रोकने के लिए बेसिकली डीप डाइव्स टू लाइक स्टॉप द इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रैफिक सो व्हिच इज मैलिशियस एंड इट गिव्स ट्रैफिक। वो ट्रैफिक होता क्या, उस ट्रैफिक की मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ट्रैफिक है क्या? पैकेट इंटरनेट पे जो एग्जैक्ट ट्रैफिक तो भाई बहुत हो सकता है, ट्रैफिक में जाता क्या है एग्जैक्टली वो बताओ मेरे को, किस चीज को ये फिल्टर करता है? डेटा पैकेट भाई जो ट्रैफिक बोल रहे हैं वो एक पोर्ट नंबर ही तो होता है, इस पोर्ट नंबर का ट्रैफिक है राइट। जैसे हम मशीन को हम SSH करते हैं तो ये भी तो एक ट्रैफिक होता है ना, मशीन को आप पिंग करते हैं ये भी तो एक ट्रैफिक होता है ना जी, पोर्ट बेस्ड ट्रैफिक बोलते हैं। सर्वर से एक वेबसाइट ओपन करते हैं तो वो HTTP का ट्रैफिक जाता है, सिक्योर ओपन करते हैं तो HTTPS जाता है, NFS सर्वर से स्टोरेज एक्सेस करते हैं तो NFS जाता है, सामा सर्वर को भेजते हैं तो SMB जाता है ना, FTP करते हैं तो FTP का ट्रैफिक जाता है, SFTP करते हैं तो SFTP का जाता है राइट। इसको हम बोलते हैं ट्रैफिक। AWS क्लाउड में उन्होंने पता क्या बोला हमसे कि मैं आपके सर्वर को कोई अननेसेसरी लॉगिन ना कर ले तो आपको ना बाय डिफॉल्ट एक फायरवॉल दे रहा हूं जो कि वर्चुअली काम करता है। मतलब जब ट्रैफिक आपके इस ETH में एंटर करेगा ना, किसी भी सर्वर में ट्रैफिक जब एंटर करता है तो फर्स्ट पॉइंट आपका कौन सा होता है जहां पे ट्रैफिक एंटरटेन करता है सबसे पहले, दैट इज ETH। हाँ जी, तो इस ईथरनेट पे ही उन्होंने बोला कि मैं आपको एक वर्चुअल फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन दे रहा हूं जो कि आपके सर्वर के लिए ट्रैफिक को फिल्टर करेगा। कैसे फिल्टर करेगा? अगर आप चाहते हैं कि इस सर्वर को ओनली SSH में अलाउ करना चाहता हूं, कोई भी बंदा रिमोट लोकेशन से मेरे इस सर्वर को थ्रू SSH ही लॉगिन करे बस, तो आप क्या करते हैं फिर SSH को अलाउ करते हैं ओनली राइट। आपने बोला कि सर्वर को SSH कर पाए लेकिन पिंग ना कर पाए, तो आपने ना बहुत बार ऐसा देखा होगा इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि किसी सर्वर को आप SSH कर पा रहे हैं लेकिन पिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो टेल मी द रीजन। हाँ जी, देखा है ना आपने, तो इसका आंसर आप लोग क्या करते हैं कि सर SSH के लिए पिंग इज मैंडेटरी, कम्युनिकेशन वाइज तो सर्वर रीचेबल होगा तभी आप SSH कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम होता है अगर सर्वर से पहले हमने कोई फायरवॉल लगा रखा है तो देयर मे बी द इशू एट द फायरवॉल साइड कि फायरवॉल पे आपने पिंग या ICMP के पैकेट्स को क्या कर दिया है, डिसेबल। वो एक रीजन हो सकता है। तो सेम इन्होंने बोला कि आप ना सिक्योरिटी ग्रुप में ये डिसाइड कर लो कि मैं अपने सर्वर को कौन सा ट्रैफिक भेजना चाहता हूं, कौन सा ट्रैफिक मैं डिनाई करना चाहता हूं। आपने बोला कि यार इस सर्वर पे मैं SSH करता हूं और अननेसेसरी आप फिर HTTP NFS SMB FTP SFTP अलाउ करोगे कि नहीं? हाँ जी, ओनली SSH चाहते हैं, तो इन चीजों को हम क्या करेंगे, सबको फिर डिनाई। तो सेम चीज इन्होंने बोला है, पहले से कोई सिक्योरिटी ग्रुप आपका अवेलेबल है एग्जिस्टिंग आप चूज कर लो। आपने बोला कि मेरे को नया बनाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक नाम ले दो उसका पहले लॉजिकल, इस चीज के लिए आप बनाना चाहते हैं। मैंने बोला जितने भी लिनक्स सर्वर्स मैं बनाऊंगा फ्यूचर में या ये वाला जो सर्वर होगा उसका सिक्योरिटी ग्रुप का नाम क्या होगा, लिनक्स सर्वर्स। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे सकते हैं आप कुछ भी मीनिंगफुल, दिस इज फॉर माई Linux servers। अब आपसे बोल रहा है कि ट्रैफिक आपको कौन सा अलाउ करना है, बाय डिफॉल्ट
जितने भी पॉपुलर प्रोटोकॉल्स आपके होते हैं जैसे DNS, HTTP, POP3, IMAP, NDAP, HTTPS, SMB, ये ट्रैफिक पोर्ट आप अपने यहाँ से देख लो कौन सा आपको अलाउ करना है। SSH आपने अलाउ कर दिया, SSH का प्रोटोकॉल टाइप क्या होता है, TCP या UDP होगा, ये TCP आपने दे दिया, 22 पोर्ट नंबर हो गया SSH का। अब यहाँ पर तीन ऑप्शन है, आप अपना आईपी अलाउ करना चाहते हैं ना तो ब्राउजर से ये आपके लैपटॉप की आईपी को पिक कर लेता है, व्हाट इज माय आईपी आप गूगल पे करोगे, ये अपने आप से आपके आईपी को यहाँ पे क्या कर देता है, अलाउ व्हाट इज माय आईपी करो आप, आपको जो आईपी मिल रहा है वो उसने यहां से पिक कर लिया। या फिर सिंगल आईपी जब हम अलाउ करते हैं तो /32 लेते हैं, आपने बोला कि यार एक कस्टम एक रेंज है, मतलब कोई बंदा इस वाले आईपी को यूज करके आएगा 10.0/24, उसको ही SSH अलाउ करो। इसकी बहुत डिटेल में बात करूंगा मैं, सिक्योरिटी ग्रुप अभी फिनिश नहीं हुआ आपका, इसका बहुत बड़ा इंपोर्टेंट रोल है यहाँ पे, जस्ट आपको डेमो दे रहा हूं मैं। आपने बोला कि यार कोई भी कैसे भी कहीं से भी लॉग इन कर ले, तो आप इसको क्या कर दें फिर, यहाँ एनीवेयर कर दें या फिर कस्टम में भी आप ये डिफाइन कर सकते हैं 0.0.0, इसका भी मतलब यही होता है, और एनीवेयर आपने किया इसका भी मतलब है एनी आईपी फ्रॉम एनीवेयर, मतलब आप लोगों को भी मैं अगर अपने सर्वर का पब्लिक आईपी दे दूं ना तो आप भी अपने लैपटॉप से मेरे सर्वर को आप पिंग कर सकते हैं, दैट्स इट, ओनली पिंग कर सकते हैं। अगर मैंने लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपको नहीं दिए तो यू विल नॉट बी एबल टू लॉगिन फॉर एक्सेस, ठीक है। मैंने क्या किया यहां पे सिंपल लॉन्च, और लॉन्च करने के बाद ये आपसे बोल रहा है कि ये सर्वर का समरी है, एक वार्निंग भी आपको दे रहा है कि सिक्योरिटी ग्रुप में आपने पूरे दुनिया को अलाउ कर दिया है, तो एक बार देख लो, इंप्रूव योर इंस्टेंस सिक्योरिटी, योर सिक्योरिटी ग्रुप लिनक्स सर्वर्स इज ओपन टू द वर्ल्ड, T2.micro आपने लिया है, 1 CPU 1 GB RAM, RHEL 8 आपको मिलेगा, ये आपने पोर्ट अलाउ कर रखे हैं 22, ठीक है, और आपने क्लिक किया यहां पे क्या लॉन्च। अब यहां पे एक चीज आ गया आपका इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं हम की पेयर। की पेयर का मतलब क्या होता है, मैं आपको ना स्टेप्स बता देता हूं। सबसे पहले हमने AMI OS चूज किया था, OS के बाद हमने चूज किया था इंस्टेंस का टाइप, इसके बाद हमने अपना नेटवर्क, नेटवर्क के बाद स्टोरेज, और स्टोरेज के बाद, हाँ जी, स्टोरेज के बाद, स्टोरेज को क्या बोलते हैं हम यहां पे, स्टोरेज को बोलते हैं हम EBS वॉल्यूम। EBS का मतलब क्या होता है यहां पे, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, ठीक है। और पांचवा जो कंपोनेंट हमें मिला है दैट इज सिक्योरिटी ग्रुप, वो भी हमने चूज कर लिया, और इसके बाद लास्ट जो कंपोनेंट है दैट इज की पेयर। की पेयर का मतलब ये होता है, जैसे कि एक चीज आप मेरे को बताएं, जो हम RHEL 8 का AMI जो हमने चूज किया है वो AWS ने ओनली मेरे लिए दिया है या दिस इज सेम फॉर ऑल कस्टमर्स, कोई भी यूजर जाएगा AWS में जो ये RHEL 8 का जो इमेज है वो मेरे को ही दिखेगा या सबको दिखेगा, सबको दिखेगा सर, दिस इज कॉमन फॉर ऑल, राइट। AWS ये नहीं कहता हमसे कि यार जो भी कस्टमर आएगा उसको स्पेसिफिकली एक इमेज में अवेलेबल कराऊंगा, नहीं, मेरे मार्केट में, मेरे स्टोर में जो AWS का क्लाउड स्टोरेज है वहां पे जो इमेजेस उन्होंने रखे हुए ना दैट आर कॉमन इमेजेस फॉर ऑल कस्टमर्स, आप जाएंगे तो आपको भी RHEL 8 दिखेगा, मैं जाऊंगा तो मेरे को भी, और भी कोई लॉग इन करेगा उसको भी वही दिखेगा। बट यहां पे बात आती है कि मैं जानता हूं कि रूट जो यूजर होता है वो डिफॉल्ट होता है लिनक्स में, रूट इज मैंडेटरी, वो हमें बनाना पड़ता है एक एडमिनिस्ट्रेटर यूजर। बट जब हम मशीन को SSH करते हैं ना तो दो चीज हमें बतानी पड़ती है, एक तो रूट यूजर बताना पड़ता है और पासवर्ड क्या देना पड़ता है उसका,
जो हमने सेट किया है, क्या मेरे को आप एक चीज बताएं, क्या हमने कहीं पे अभी पासवर्ड वगैरह सेट किया है अपने लॉगिन करने के लिए? नहीं किया ना। तो ये लोग पता क्या बोलते हैं कि भाई ये वाला जो इमेज है ना, इसमें हमने पहले से ही AWS ने ये इमेज अपने यहाँ पे जब पुश किया है ना, क्रिएट किया है या अवेलेबल कराया है एंड यूजर्स के लिए, तो जितना भी पासवर्ड बेस ऑथेंटिकेशन है ना, पासवर्ड बेस ऑथेंटिकेशन को बोलते हैं प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड। जैसे हम लोग अपने सर्वर पे सेट कर देते हैं रूट का पासवर्ड, आपने XYZ सेट कर दिया, 123 सेट कर दिया, रेड हैट सेट कर दिया, वो वाला जो कम्युनिकेशन है ना, इन्होंने क्या कर दिया पहले से ही, पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन इज डिसेबल। मतलब जब भी आप सर्वर बनाएंगे तो उसका एक की पेयर होगा आपके पास। की पेयर क्या होता है आपका, एक तरीके से आपके सर्वर को लॉगिन करने का की है। आपने घर पे भाई ताला लगा रखा है, ठीक है, अब उसका की आपके पास होता है, राइट? मतलब लॉगिन कौन कर सकता है, जिसके पास की है उसका। मतलब घर का ताला खोल कौन सकता है, जिसके पास आपने की दे रखा है। तो सेम चीज यहाँ पे है, की पेयर का मतलब हो गया इट्स अ पासवर्ड दैट यू हैव स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ की फाइल। दो की आपको मिलते हैं, एक प्राइवेट होता है और एक होता है आपका पब्लिक। प्राइवेट की कौन स्टोर करता है, यूजर, मतलब आप अपने लैपटॉप में उसको स्टोर करोगे। पब्लिक की कौन स्टोर करता है, AWS। मतलब या फिर बोल सकते हैं आप क्या, सर्वर साइड। मतलब इस सर्वर के अंदर आपके की के ना दो कॉपी बन जाते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। वॉइस ब्रेक हो रहा है, सबके लिए नहीं होगा, ये आपके लिए होगा जाता है। Okay, आप अपने है ना, तो दो की है आपके, एक प्राइवेट है एक पब्लिक है। प्राइवेट यू विल स्टोर और पब्लिक की सर्वर के साइड आपका होता है, जस्ट टू मैच योर की। मतलब जब हम लॉग इन करें ना, की मैच कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ पब्लिक कॉपी एंड प्राइवेट कॉपी। बाय डिफॉल्ट आपसे की अगर लॉस हो गया, जैसे आप बोलोगे सर मेरे से की लॉस हो गया जो मैंने अपने लोकल पीसी में सेव किया था, तो हाउ आई कैन लॉग इन माई सर्वर, यू कैन नॉट लॉग इन योर सर्वर बाय डिफॉल्ट। आई विल लेट यू नो द वे टू रिजॉल्व टू रिकवर योर की पेयर, वो आपका टॉपिक में है। लेकिन बाय डिफॉल्ट याद रखना, सिक्योरिटी कंसर्न से इफ यू हैव लॉस योर की, आप सर्वर लॉग इन नहीं कर पाएंगे। बाद में की बेस्ड ऑथेंटिकेशन, जैसे आपने बोला कि सर मैं प्राइवेट की से ऑथेंटिकेट नहीं करना चाहता, मैं सर्वर को ना कोई पासवर्ड सेट कर दूंगा रूट यूजर का, या आगे कोई भी यूजर मैंने बनाया, तो क्या उसको हम लॉगिन कर सकते हैं? यस यू कैन लॉगिन। आप की बेस्ड ऑथेंटिकेशन को डिसेबल कर सकते हैं या दोनों को रख सकते हैं, पासवर्ड बेस्ड भी और की बेस्ड भी, ठीक है। तो मेरे को करना क्या है, यहाँ पे देखो तीन ऑप्शन होते हैं, आपसे बोल रहा है यूज एन एग्जिस्टिंग की पेयर। मतलब एग्जिस्टिंग का मतलब क्या है, पहले कोई की पेयर आपने बना रखा है ना, 100 सर्वर्स अगर आपके पास चल रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि 100 सर्वर्स का की पेयर आप अलग रखो। आप चाहे तो हर एक सर्वर को सेम की से लॉगिन आप कर सकते हैं, जिसको मास्टर चाबी आप बोल सकते हैं, जो कि हर एक ताले में कंपेटिबल है। आपने बोला कि वो सिक्योरिटी से ठीक नहीं है, तो आप चाहे तो 100 के 100 सर्वर्स का की पेयर आप अलग भी रख सकते हैं। जैसे आपने बोला मैंने दो सर्वर एक की को यूज करके बना दिए, तो आगे अगर मैं नया सर्वर बनाऊंगा तो वो एग्जिस्टिंग में यूज कर सकता हूँ जो पहले से यहाँ पे मेरा बना हुआ है। अच्छा सर, इसमें ऐसे कर सकते हैं जैसे कि जो प्राइवेट की हमने अपने लोकल पे स्टोर करा हुआ है, लेट्स सपोज अगर उसको मैंने ड्राइव पे सेव कर दिया और मैं अपने गूगल ड्राइव पे आप रख सकते हैं उसको, फिर उसको किसी और लैपटॉप पे मैं बैठा हूं तो ड्राइव से डाउनलोड कर लो आप। हाँ कर सकते हैं, तो वो वर्क करेगा। हाँ करेगा, मेल पे भी शेयर कर सकते हैं कि तो KB में होता है, 10 KB 15 KB का। बेसिकली प्राइवेट और पब्लिक की पेयर इन दोनों का होने का मतलब सिर्फ यही है कि मैच करके लॉगिन कराने के लिए, फर्स्ट टाइम लॉगिन के लिए की पेयर चाहिए आपको। AWS बोलता है कि मैंने क्लाउड की सर्विस में देता हूँ, तो सिक्योरिटी रीजन से प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड में अलाउ नहीं करता फर्स्ट टाइम। बाद में आप खुद से चेंज कर लो अपने सर्वर में जाके, मैं उसकी टेंशन नहीं लूंगा, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने अपने प्लेटफॉर्म को सिक्योर करने के लिए की बेस की आपको दे रहा।
और आपने देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है। हाँ जी पूछो क्वेश्चन। सर जैसे हमने अभी यहाँ पे एग्जेक्शन की पेयर पहले चूज कर लिया, सपोज मेरे पास दो सर्वर है तो मैंने पहले की पेयर बना रखा और दोनों सर्वर्स को मैंने एग्जेक्शन की पेयर मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसका जो भी पासवर्ड सेट था वो मैंने सेट कर रखा है। अब आगे जाके मैंने एक सर्वर का पासवर्ड चेंज कर दिया, अगर पासवर्ड का की से कोई लेना देना नहीं होता, पासवर्ड आप चेंज करते रहो, की आपका की बेस ही काम करता है, पासवर्ड और की दोनों चीजें सेम नहीं होती। हाँ मेरा क्वेश्चन वही था सर, अगर उस सर्वर का मैं पासवर्ड भूल जाता हूँ फिर बाद में, तो मैं हाँ। क्या इस की बेस क्लियर से मैं उसको रिकवर कर सकता हूँ फ्यूचर में? की से तो हमेशा लॉग इन होगा, जैसे पासवर्ड आपने रेडिट सेट कर रखा था जब की बनाया था, तो बाद में पासवर्ड चेंज कर दिया आपने और उसको भूल गए आप, सेम की हमारा लॉग इन के लिए यूज कर सकते हैं। पासवर्ड होता है ओनली जब पासवर्ड बेस्ड लॉग इन करते हैं आप, की होता है जब की से हम लॉग इन करते हैं। ठीक है, दोनों चीजें अलग होती हैं। पुश एंड एग्जिस्टिंग का मैंने आपको बता दिया, पहले से कोई बना रखा है, नया आपको बनाना है, आपको ना ये ऑप्शन लेना पड़ेगा। अगर आपने ये वाला ऑप्शन लिया प्रोसीड विदाउट अ की पेयर, तो आपने बोला मैं की पेयर नहीं बनाना चाहता हूं, आपने एक्नोलेज करके इसको लॉन्च कर दिया, सर्वर तो बन जाएगा, लेकिन एक चीज आप याद रखना कि बैकएंड से अगर इस एएमआई में, क्योंकि AWS ने क्या कर रखा है, प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड को डिसेबल कर रखा है, और आपने क्या किया इस वाले ऑप्शन से सर्वर को बना दिया, तो आप सर्वर को लॉगिन नहीं कर पाएंगे। ये वाला ऑप्शन अब कम लेते हैं, या तो आपने कोई ऑन प्रमाइसेस एक ऐसा सर्वर बना रखा था जिसमें प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड आपका ऑलरेडी इनेबल था और आपने उस सर्वर को माइग्रेट करके AWS क्लाउड में ले गए, फिर आप ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं, क्योंकि उस सर्वर में हार्ड कोडेड आपने ये चीज कर दी थी OS लेवल से कि उसको मैं पासवर्ड से भी ऑथेंटिकेट कर सकता हूं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं अभी, इस ऑप्शन को हमेशा क्या ले रहा हूं अभी, क्रिएट अ न्यू की पेयर, नाम दिया मैंने की का क्या, AWS बैच 8211। ठीक है, और एक कॉपी पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, नहीं तो ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा तब तक, डाउनलोड करना पड़ेगा, तो एक पैम फाइल मेरे को अपने की का, दिस इज द प्राइवेट की, वो डाउनलोड्स पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल आपने क्या किया, यहां पे क्लिक किया लॉन्च इंस्टेंसेस, आपके सर्वर को एक आईडी उसने एलोकेट करके दे दिया है, दिस इज योर इंस्टेंस आईडी। आपने ये देखना है कि बैकएंड में देखो उसने क्या किया, एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाया है आपके लिए इस नाम से और सर्वर को आपको क्रिएट करके दे दिया है। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे, यहां पे आपको व्यू इंस्टेंसेस पे आप जाओगे तो दिस विल रीडायरेक्ट टू योर सर्वर। लिनक्स सर्वर के नाम से आपने एक सर्वर बनाया है, ये सर्वर की डिटेल्स आपको बता रहा है, जब भी आप सर्वर बनाते हैं तो ये वाला नेम सेम हो सकता है लेकिन इंस्टेंस का आईडी विल बी यूनिक। स्टेट बता रहा है रनिंग है, टाइप आपसे बोल रहा है t2.micro आपने लिया है, किस अवेलेबिलिटी जोन में है आपका सर्वर, सर्वर को जो सिक्योरिटी ग्रुप आपने दिया है वो ये है, की पेयर आपने यूज किया है, इतने बजे आपने सर्वर को बनाया है, सेम डिटेल आपको नीचे दिखा रहा है, ये सर्वर का एक पब्लिक आईपी है और ये सर्वर का है प्राइवेट आईपी। AWS बाय डिफॉल्ट आपको ना ऑटो क्रिएटेड डीएनएस भी देता है, पब्लिक डीएनएस आपसे बोल रहा है ये है, मतलब सर्वर को जब हम लॉगिन करेंगे ना हम चाहे तो पब्लिक आईपी भी यूज कर सकते हैं और इस डीएनएस नेम को भी यूज कर सकते हैं। इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए प्राइवेट डीएनएस भी है और आपका प्राइवेट आईपी भी है। इंटरव्यू में एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि AWS का डिफॉल्ट प्राइवेट डीएनएस और पब्लिक डीएनएस का नाम बताओ मेरे को। पब्लिक डीएनएस का जो डोमेन होता है ना वो होता है AWS amazon.com और प्राइवेट जो डोमेन होता है ना
उसका नाम होता है कंप्यूट डॉट इंटरनल। दोनों चीजें देखो आप यहां देख सकते हैं, एमेजॉन AWS.com, ये मैंने आगे पीछे कर दिया है तो इसको सही कर लेना, ठीक है, AWS नहीं है ये, एमेजॉन AWS.com, ठीक है। और ये वाला जो नेम है दिस इज कंप्यूट डॉट इंटरनल, सेम आपसे बोल रहा है कि इस वाले नेटवर्क में आपका सर्वर चल रहा है, इस वाले सबनेट में है, ठीक है, और ये MIID है, RHEL 8 आपने रन किया है, Red Hat Enterprise Linux है, ठीक है, कौन सा की पेयर आपने यूज किया है, ये वाला की पेयर आपने यूज किया है, और आपको डिटेल्स देखने हैं ना, आपसे बोल रहा है सिक्योरिटी में जाके आप सिक्योरिटी ग्रुप का इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, इस नाम से आपने सिक्योरिटी ग्रुप बनाया है लिनक्स सर्वर्स के नाम से। अगर आपने बोला कि सर इस चीज को मेरे को अलग से देखना है तो मैं कैसे देख सकता हूं, या तो आप इस पर क्लिक कर दो डायरेक्ट वो रिडायरेक्ट कर देगा आपको, या फिर आप स्क्रॉल डाउन करोगे ना यहां पे देखो ऑप्शन आ रहा है सिक्योरिटी ग्रुप्स, आपने जो सर्वर का सिक्योरिटी ग्रुप बनाया ना वो यहाँ पे ये अवेलेबल है। फायरवॉल में दो ही डायरेक्शन होती है, इनबाउंड और आउटबाउंड, दोनों का मतलब भी मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप इनबाउंड डायरेक्शन में देखेंगे ना तो हमने कौन सा प्रोटोकॉल अलाउ किया है, ओनली SSH, मतलब इस सर्वर को हम SSH कर सकते हैं, पिंग नहीं कर सकते, HTTP नहीं कर सकते, कुछ भी हम नहीं कर सकते। अगेन मैंने क्या किया, आपने सर्वर पे में गया, अपने सर्वर में स्टोरेज की इंफॉर्मेशन देखनी है तो स्टोरेज वाला टैब है, नेटवर्क से रिलेटेड देखना है तो नेटवर्क का इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमको मिलेगा, और डिटेल्स में आपको बेसिक जो इंफॉर्मेशन आपके सर्वर की है वो यहाँ पे दिख रहा है। अब बात आती है कि सर्वर को मैं लॉग इन कैसे करूंगा, तो सर्वर मेरा बन गया, हाउ आई विल लॉग इन माई सर्वर। आपको ना दो सॉफ्टवेयर, अपने सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या है, दो टूल आपको इंस्टॉल करने हैं, एक आपका है पुट्टी और दूसरे टूल का नाम है पुट्टी जैन। सर एक क्वेश्चन है, ये लॉन्च करने के बाद हम एडिट कर सकते हैं, जैसे अभी एक एडिट का ऑप्शन भी आ रहा था कि वहां पे ओपन गेटवे डाल रखा था हमने 00 का, तो उसको हम एक कर सकते हैं, ठीक है। देखो पुट्टी सॉफ्टवेयर का यूज क्या होता है, अगर लिनक्स सर्वर्स को टेलनेट या SSH हम करना चाहते हैं तो पुट्टी यूज करते हैं, राइट जी, सबको पता है ना पुट्टी क्या है, टूल है कमांड चलाने के लिए फॉर लिनक्स सर्वर्स, उनको रिमोट लॉगिन करना है तो पुट्टी हम यूज करते हैं। विंडोज में एक एप्लीकेशन आप यूज करते हैं रिमोट डेस्कटॉप एप्लीकेशन, सेम चीज लिनक्स सर्वर्स के लिए पुट्टी होता है। लेकिन अब ये सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट क्या है, पुट्टीज है, देखो कई सारे टूल्स के मैं नाम आपको बता रहा हूं, जो आप यूज करना चाहें वो यूज कर सकते हैं, जैसे एक टूल हो गया पुट्टी, सिक्योर CRD अगर आप जानते हैं तो ये यूज कर सकते हैं, मोवा एक्सट्रम आता है ये भी यूज कर सकते हैं आप, एक एक्स्ट्रा शेल करके आता है ये भी यूज कर सकते हैं आप, एक गिट बैश आता है ये भी यूज कर सकते हैं, जो तो आपको अच्छा लगे ना वो आप यूज कर लो, ये पुट्टी की तरह ही है बाकी, राइट हाँ ठीक है। मैं ज्यादातर जो लोग यूज करते हैं ना दैट इज पुट्टी, ठीक है। पुट्टी जैन सॉफ्टवेयर का यूज क्या होता है, देखो पुट्टी सॉफ्टवेयर जो आप लॉग इन करते हैं ना, हम क्या डालते हैं सॉफ्टवेयर में, सबसे पहले सर्वर का IP डालते हैं जिसको हम लॉग इन करने वाले, ये मेरा पुट्टी सॉफ्टवेयर हो गया, अभी मैंने ओपन किया, यहाँ पे हम डालते हैं IP, जैसे ही हम ओपन पे क्लिक करते हैं ना, ओपन पे क्लिक करने के बाद ये हमसे बोलता है कि जो सामने वाला जो सर्वर है ना उसका यूजर नेम और पासवर्ड बताओ। लेकिन अभी हम अपने इस वाले केस में एक चीज मेरे को बताओ, RB यूजिंग द यूजर नेम एंड पासवर्ड नहीं कर रहे ना, हम क्या कर रहे हैं की बेस ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्राइवेट की हमें ब्राउज करना पड़ता है। देखो सॉफ्टवेयर में प्राइवेट की देने का ऑप्शन तो है, अगर मैं यहाँ SSH में जाऊं ऑथेंटिकेशन में, यहाँ पे प्राइवेट की फाइल को मैं दे सकता हूं, जैसे यहां से ब्राउज करूं, ब्राउज करने के बाद मेरे डाउनलोड्स में
अगर मैं डाउनलोड्स में जाता हूं, यहाँ पे करो ऑल फाइल्स, एक जो की हमने अभी डाउनलोड किया था ये वाला पैम फाइल, देखो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है राइट, लेकिन इस पैम फाइल में आप देखोगे इसका जो एक्सटेंशन है ना वो डॉट पीईएम है, लेकिन पुट्टी सॉफ्टवेयर में जो डॉट पैम एक्सटेंशन होता है ना वो सपोर्टेड नहीं होता है, आपको बोल देगा दिस इज अनसपोर्टेड प्राइवेट की फाइल। तो हमें इस फाइल को ना प्राइवेट ही रखना होता है, इसका एक्सटेंशन हम लोग क्या कर देते हैं बस डॉट पीपीके। तो पुट्टी जैन जो सॉफ्टवेयर है ना वो ऑप्शनल है, अगर आप जैसे सिक्योर सीआरटी या मोवा एक्सटर्म या एक्सेल गिट बेस यूज करोगे ना, यहाँ पे सॉफ्टवेयर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ये सॉफ्टवेयर पैम फाइल को भी सपोर्ट कर जाता है। ठीक है, डाउनलोड आपको कैसे करना है, गूगल पे जाके आप सिंपल यहाँ टाइप कर दें पुट्टी डाउनलोड, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर आपको यहाँ से इंटरनेट से इजिली मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे जाओ और हर एक सॉफ्टवेयर का, जैसे दो ही सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करने, एक तो पुट्टी आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना, ये आपका लिंक दिया हुआ है, और पुट्टी जैन यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अब हमें करना क्या है पहले आपको बता देता हूँ। ठीक है, सर्वर को हम लॉग इन करना चाहते हैं, वी विल बी रिक्वायर्ड द पब्लिक आईपी ऑफ द सर्वर। मैंने पब्लिक आईपी यहां से कॉपी किया और सॉफ्टवेयर को बिल्कुल बंद करो, यहां से पुट्टी को बंद करो। ठीक है, यहां पे मैंने डाल दिया, आप इसको ओपन करो सबसे पहले। जैसे ही आपने ओपन किया अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, हाँ जी क्या पूछ रहे हैं आपसे, लॉगिन आईडी, यूजर नेम। अब मेरे को बताओ कि आपको पता है किस यूजर से लॉगिन करना ही है, इसी टू यूजर। अरे यार आप तो काम कर रहे हैं, जिसको नहीं पता है वो कैसे पता करेगा इसको कि कौन सा यूजर मैं यूज करूंगा यहाँ पे। आपने बोला सर रूट हमारा डिफॉल्ट होता है, चलो तो मैंने रूट डाला, तो आपको क्या एरर दे रहा है आपसे, ये मतलब रूट का पासवर्ड भी नहीं पता मेरे को, तो हमें पासवर्ड पता है, अमेजोन ने हमें कहीं पासवर्ड दिया है रूट का, नहीं दिया ना। अब ये मैं कैसे पता कर सकता हूं, व्हाट इज द डिफॉल्ट यूजर आई कैन यूज टू लॉग इन द सर्वर AWS क्लाउड। दो तरीके हैं उसके, या तो आप देखो यहाँ कनेक्ट पे जाते हैं ना, तो आपको बताता है कि डिफॉल्ट यूजर कौन सा है आपका। हाँ जी कौन सा यूजर बता रखा है आपको, EC2 -user। तो याद रखना अगर यहाँ पे डिफॉल्ट EC2 -user लिखा है ना, तो यू कैन नॉट यूज द रूट बाय डिफॉल्ट। रूट आप यूज कर सकते हैं, वो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन डिफॉल्ट यूजर कौन सा होगा वो जो कि यहाँ पे आपको लिखा मिला है। आपने बोला कि सर और कोई तरीका, सबसे सही तरीका है अगेन आप गूगल पे जाए, ठीक है, और गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे डाल दें आप डिफॉल्ट यूजर फॉर EC2 instances, तो आपको ना मल्टीपल लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे URL पे आप जाओ, यहाँ पे ना बता रखा है आपको कि Amazon में डिफॉल्ट यूजर नेम कौन सा होता है। Amazon Linux अगर आपने OS लिया है तो यूजर कौन सा है, Ubuntu का मशीन आप चला रहे हैं तो डिफॉल्ट यूजर कौन सा है, Debian आप चला रहे हैं तो RHEL 6.4 and later, हमारा मशीन किसका है, हाँ जी RHEL 8 का है ना, हाँ RHEL 8। तो कौन सा यूजर बता रखा है इसने, EC2 -user। ये किसके लिए बता रखा है, 6.3 या अर्लियर, उससे पहला कोई RHEL का फ्लेवर है तो कौन सा यूजर है, सेम नीचे आपको इसने बता रखा है। हमारा जो यूजर है हम कौन सा यूज करने वाले हैं अभी, EC2 -user, लेकिन चलो यूजर नेम हमें पता चल गया EC2 -user हम यूज कर लेंगे। डू यू नो द पासवर्ड ऑफ दिस यूजर, हाँ जी पासवर्ड नहीं पता ना हमें, तो हमने क्या कर रखा है, पासवर्ड की जगह ही हमारे पास क्या अवेलेबल है, कीवर्ड की पेयर। बट की पेयर का जो पैम एक्सटेंशन है वो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार पीपीके में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी आप जो पुट्टी जैन सॉफ्टवेयर जो डाउनलोड करेंगे ना, पुट्टी की जनरेटर, आपको क्या करना है, पहले अपना
प्राइवेट की फाइल जो है वो लोड करना है, डाउनलोड्स पे जाके ऑल फाइल्स करना है यहाँ पे, और जो की पेयर आपने डाउनलोड किया था पैम एक्सटेंशन वाला वो क्या करना है, सिंपल ओपन, क्लिक ऑन ओके बटन, और ये करने के बाद पब्लिक की सेव नहीं करना आपको, पब्लिक की तो सर्वर साइड होता है, क्या करना है आपको, प्राइवेट की, क्लिक ऑन यस, और किसी भी लोकेशन पे जैसे डाउनलोड्स में ही आप इस वाले की का नाम भले सेम दे दो, AWS बैच सेम भी ले सकते हैं, आप और कुछ भी लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, ठीक है, ये वाला नाम दिया, लेकिन एक्सटेंशन देखो क्या बोल रहा है, की का एक्सटेंशन क्या हो जाएगा अभी, डॉट टीपीके, क्या किया मैंने इसको सेम, ठीक है। अब इस सॉफ्टवेयर को आप कर दें बंद, एक बार डाउनलोड्स में जाके, डाउनलोड्स में जाने के बाद आप एक बार चेक कर लें की पेयर आपको दिख रहा है कि नहीं, इस नाम से सेव किया दोस्तों आपने, AWS बैच 8 to 11 डॉट ठीक है, ऑलराइट, हाँ जी क्लियर है सबको यहाँ पे, यानी कि ये दोनों ही फाइल आपके इंपॉर्टेंट है, इनको डिलीट आपने नहीं करना, एक चीज याद रखना, ठीक है। चलो आप सपोज करो आपने क्या किया है, सर्वर का पब्लिक आईपी यहां से लिया, आई टू लॉग इन दिस सर्वर, मैंने यहां पे क्या डाला, पब्लिक आईपी, अगेन मैंने ओपन किया, अब यूजर मेरे से क्या बोल रहा था, EC2 हाइफन यूजर, लेकिन मैं जैसे ही एंटर करूंगा अगेन मेरे को सेम एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है ये एरर, कि मेरे पास पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन यहाँ पे इनेबल नहीं है, अगेन मैंने यहां से पब्लिक आईपी को कॉपी किया, सॉफ्टवेयर में मैं गया, पब्लिक आईपी कॉपी पेस्ट किया मैंने, और ऑथेंटिकेशन में जाके क्या ब्राउज करना है हमें यहाँ पे, एम फाइल या फिर पीपीके, हाँ जी पीपीके, पीपीके फाइल, ठीक है, देखो पीपीके ही मैंने लिया है यहाँ पे, ओपन किया, अब आप आराम से क्या करते हैं यहाँ पे, फिर आपसे बोल रहा है क्या, लॉग इन एज क्या डालना है आपको, सर्वर आपका लॉग इन हो गया, जितने भी डिफॉल्ट यूजर हम लोग यूज करते हैं ना, हर एक यूजर को सूडो प्रिविलेज होते हैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट, मतलब AWS ने जो OS हमको दिया है ना उसको इतना स्मार्टली उन्होंने डिजाइन किया है सिक्योरिटी रीजन को ध्यान रखते हुए, और आगे जब सर्वर बन जाएगा उन वाले रीजन को भी ध्यान में रखते हुए, जैसे आप चाहते हैं कि यार मेरे को रूट के अकाउंट में स्विच करना है तो हमारे पास पहले सूडो प्रिविलेजेस होने चाहिए, आपने जैसे ही सूडो स्विच हाइफन किया यहाँ पे आ गया, अभी आप दोस्तों अगर आपने हु एम आई यहाँ पे करते हैं क्या बता रहा है, कौन से यूजर से लॉग इन है अभी, चलो ये चीज अभी बेसिक हो गया कि मशीन मेरा लॉग इन हो गया, तो इस मशीन को अगर मेरे को पिंग करना है तो अगेन मैंने क्या किया, का पब्लिक आईपी यहां से कॉपी किया, ट्राई टू पिंग, क्या आप मशीन को पिंग कर पाएंगे अभी, क्या बोल रहा है आपसे, मशीन इज नॉट रीचेबल, बट आप देखो SSH कर पा रहे हैं आराम से, क्या इसका रीजन हो सकता है, हाँ जी पिंग पैकेट हमने सिक्योरिटी ग्रुप में हमने से वैसे चलाओ पिंग इनेबल नहीं किया है, तो इसका सिक्योरिटी ग्रुप देखो सबसे पहले क्या है, सिक्योरिटी ग्रुप का नाम क्या बता रहा है आपसे, लिनक्स सर्वर्स, यहाँ नीचे जाके अगर आप देखो भी ना तो ये आपसे बोल रहा है कि यू हैव अलाउ ओनली पोर्ट 22, हमें क्या करना पड़ेगा, पिंग अगर हम चाहते हैं तो वी नीड टू अलाउ द ACMP, सिक्योरिटी ग्रुप में मैं गया, अपने सर्वर का जो सिक्योरिटी ग्रुप है इसके इनबाउंड डायरेक्शन में दोस्तों, जैसे इनबाउंड रूल्स पे आप क्लिक करना, यहाँ पे करना एडिट, क्या करना पड़ेगा आपको, म्यूट कर लो यार, डोल पिंग ऑल ICMP, सिक कौन है ये, यार ध्यान रखो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है आप क्वेरीज कितने कर रहे हैं, बैकएंड से डिस्टरबेंस मत किया करो वो आपके लिए प्रॉब्लम होगा, ठीक है। ICMP आपने ये अलाउ किया यहाँ पे और 0.0.0/0, ठीक है, ये आपने अलाउ किया,
और सिंपल, मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि एनीवन कैन पिंग माय सर्वर, ठीक है। और सिंपल मैंने इसको क्या कर दिया, टूल को सेव। दोस्तों पहले एक टेस्टिंग हम कर लेते हैं कि मैं अपने लैपटॉप से अपने सर्वर के पब्लिक आईपी को पिंग कर पा रहा हूं कि नहीं, ठीक है। मैंने क्या किया, अगेन सर्वर का जो पब्लिक आईपी था उसको पिंग किया, और या तो हम सीएमडी से भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने कमांड लाइन ओपन किया और ट्राई टू पिंग, आराम से क्या बोल रहा है, आपका ये आईपी क्या है, रीचेबल है। आप लोग भी अगर अपने लैपटॉप से ट्राई करते हैं ना, यू कैन ऑल्सो ट्राई, जस्ट लेट मी नो यू आर एबल टू रीच दिस आईपी और नॉट। 6508625 दो लोग ट्राई करो और जस्ट लेट मी नो। ठीक है, मतलब समझ में आ गया ना कि सिक्योरिटी ग्रुप का रूल क्या है, मतलब क्या होता है उसका। अगर हम अलाउ कर देना तभी पिंग होगा। अभी मैं सिक्योरिटी ग्रुप में जाके आईसीएमपी हटा देता हूँ वहां से, या अपने आईपी को ही अलाउ कर देता हूँ, तो क्या आप पिंग कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलो लेकिन आपसे क्वेश्चन मैं करूं कि क्या आप अपने, आप भाई देखो पिंग कर पा रहे हैं तो आप एसएसएच भी कर सकते हो, राइट। लेट मी नो कि आप एसएसएच कर पाएंगे कि नहीं सर्वर को। एसएसएच तो कर पाएंगे, की पेर नहीं होगा। एसएसएच प्रॉम्प्ट आपसे करेगा, लेकिन व्हेन आपको पासवर्ड का जो प्रॉम्प्ट आएगा ना, तो वहां पे पासवर्ड आपके पास है नहीं, तो यू विल नॉट बी एबल टू लॉग इन। लॉग इन कौन कर सकता है, ओनली मैं कर सकता हूँ अभी, ठीक है। अब हाँ जी, फिर तो पैम फाइल चल जाएगा, तो फिर करने की जरूरत नहीं, ठीक है। डाउनलोड्स वाले डायरेक्टरी में आप चले जाना, वहां से डायरेक्ट कमांड चलाना SSH-I, ठीक है। ये वाला कमांड चलाना पड़ेगा आपको SSH-I, और यहाँ प्राइवेट की का वैल्यू, और फिर EC2-user@public-ip, ठीक है। प्राइवेट की फाइल कर सकते हैं क्या, प्राइवेट की रिडायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे SSH-I प्राइवेट की का फाइल नेम, और फाइल नेम ही देना है आपको, हाँ, ठीक है। अब देखो सर्वर का बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे आपको ये देखना है कि कितना LSCPU, मतलब CPU मेरे को कितने मिले हैं, एक CPU आपको बता रहे हैं, DF-KH, स्टोरेज आप देख सकते हैं 10GB स्टोरेज आपको मिला है, ठीक है। Free-H मेमोरी आप देख सकते हैं आराम से, ठीक है। ये हो गया मेरा बेसिक। अब इसमें ही ना मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, हाउ टू इनेबल पासवर्ड बेस ऑथेंटिकेशन। मतलब मैं ये चीज इनेबल भी कर सकता हूं अगर चाहूं तो। अगर एक बार मेरा सर्वर लॉगिन हो गया की से, बाद में मैं की बेस भी रख सकता हूं और पासवर्ड बेस भी कर सकता हूं, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या पड़ेगा, आप रूट से लॉगिन है, यहां पे सबसे पहले एक रूट का पासवर्ड आप सेट कर दें। यार कोई नहीं बोल रहा है तो म्यूट कर लो ना, क्यों ये अनम्यूट पे है। पासवर्ड जैसे मैंने डाला यहाँ पे redhat, ठीक है। एक रूट का पासवर्ड मैंने अपने लिए सेट कर लिया, रीसेट कर दिया पासवर्ड, ठीक है। मेरे को पता ही नहीं था कि पासवर्ड क्या है, तो आई एम गोइंग टू रीसेट माई पासवर्ड। इसके बाद यहाँ पे क्या है, फाइल होता है SSH का, जिसमें कि इन्होंने डायरेक्ट रूट लॉगिन को क्या कर रखा है, डिसेबल, या पासवर्ड बेस ऑथेंटिकेशन को उस फाइल में इन्होंने क्या कर दिया, डिसेबल कर दिया। फाइल का नाम क्या होता है, डीजी के अंदर SSH SSHD_config। इस फाइल में जाने के बाद आपको एक लाइन मिलेगा,
पासवर्ड ऑथेंटिकेशन क्या कर रखा है इन्होंने यहाँ पे, इसको क्या करना है हमें सिंपल। हाँ जी, यस नो से मैंने यस किया, फाइल को सेव करके क्विट कर देना है आपने, ठीक है। एक बार ग्रैब कर लेना पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, ग्रैब कर लेना, वहां पे आपको मिल जाएगा। कहां से ग्रैब करना है? पैरामीटर जो आपने किया था पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, ये क्या हो गया आपका भी यस हो गया, ठीक है। जब भी हमने SSH की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कोई चेंजेस किए हैं तो वी नीड टू रीस्टार्ट, इसका जो सर्विस है उसको एक बार रीस्टार्ट करना है आपको, ठीक है। नाउ लेट सपोज अभी मैं फिर से अगर लॉग इन करता हूं, मैंने क्या किया अपने सर्वर का पब्लिक आईपी यहां पे डाला मैंने ओपन, क्या डालना है यूजर ने मेरे को रूट और पासवर्ड क्या डालना है रेड एट। अभी इस बार हमने की ब्राउज नहीं किया, सिंपल हमने क्या कर दिया पासवर्ड से लॉगिन कर लिया। अब जिन लोगों के पास पुटी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है वो लोग क्या करें इस पब्लिक आईपी को यूज करके, ठीक है, यूजर नेम रूट यूज करो, पासवर्ड है उसका रेड एट, जस्ट लेट मी नो कि आप सर्वर को लॉगिन कर पा रहे हैं। सर लॉगिन हो गया सर, एक दो लोग और चेक कर लो, मतलब मैंडेटरी नहीं है कि हमें की यूज करना है एवरी टाइम, दैट इज ओनली फॉर द फर्स्ट टाइम लॉगिन। आप एक बार लॉगिन करके पासवर्ड सेट कर लो रूट का एंड यू कैन जस्ट मॉडिफाई योर SSHD_config फाइल एंड गिव द सर्विस रीस्टार्ट, यू कैन एक्सेस योर सर्वर बाय प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड। हो रहा है लॉगिन? ठीक है। लेट सपोज आपने बोला कि सर मैं EC2-user जो मैंने बनाया था क्या उसको जरूरी है कि हर बार मेरे को रखना ही पड़ेगा? कोई जरूरी नहीं है, आप चाहे ना उस यूजर को आराम से यहां से डिलीट भी कर सकते हैं ऐसे करके आराम से, मैंने डिलीट नहीं किया है, आप चाहे तो डिलीट कर सकते हैं। जैसे आपने बोला कि EC2-user से भी मेरे को पासवर्ड बेस लॉग इन करना है, तो आप एक बार उसका भी पासवर्ड सेट कर दो सेम। अब ये आपका ना OS का मशीन हो गया, OS में जो काम आप आज तक ऑन प्रमाइसिस कर रहे थे ना सारे काम आप यहां कर सकते हैं। जैसे मैंने इसका पासवर्ड किया रेड हैट सेट, मैंने फिर से पब्लिक आईपी, देखो मैं चाहूंगा तो इस पब्लिक DNS को भी यूज कर सकता हूं, मैं इस बार पब्लिक आईपी यूज ना करके जो पब्लिक DNS मेरे को मिला है ना उसको मैं यूज कर रहा हूं यहां पे होस्ट नेम पे। मैंने ओपन किया, यूजर नेम क्या यूज करना है हमें EC2-user, पासवर्ड क्या सेट किया था मैंने इसका कोई की मैंने ब्राउज नहीं किया। आपने बोला कि सर कोई कस्टम यूजर अगर मैं यूज करना चाहता हूं तो जैसे कि आपने बोला एक यूजर ऐड कर दो यहां पे श्याम नाम से और उसका पासवर्ड सेट कर दो, पासवर्ड श्याम यूजर का पासवर्ड सेट हो जाए रेड है। हमने देखो एक यूजर यहां पे बना दिया श्याम नाम से, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि ये श्याम नाम का यूजर भी इस सर्वर को बाय यूजिंग द पब्लिक आईपी रिमोट लॉग इन कर पाए। यूजर नेम श्याम डाला मैंने, पासवर्ड डाल दिया रेड है। आप में से कोई बंदा बताए अपना नाम क्या है, मैं एक यूजर ऐड कर रहा हूं एंड ट्राई टू लॉग इन विद योर पर्सनल यूजर नेम। हाँ जी प्रशांत, प्रशांत से एक यूजर हमने ऐड किया प्रशांत के नाम से और उसका पासवर्ड सेट कर दिया हमने रेड हैट। प्रशांत ट्राई टू लॉग इन विद पब्लिक आईपी, प्रशांत यूजर नेम एंड पासवर्ड इज रेड हैट। एक्चुअली मेरा यहाँ पे लॉग इन फील्ड बता रहा है, क्या डाल रहे हैं सर? जैसे आपने बताया था कि रूट और रेड हैट, तो मैंने जब रेड हैट डाला यहाँ पे तो बता रहा है कि आपका लॉग इन फेल हो गया यहाँ पे, मतलब लास्ट फेल्ड लॉग इन सैटरडे मार्च 13।
नहीं, लॉग इन हो गया होगा तो मैसेज बता रहा है कि किसी ने ना रॉन्ग पासवर्ड ट्राई किया, उसकी वजह से वो फेल लॉग इन बता रहा था। लॉग इन तो हो रही है ना मशीन? हाँ जी हाँ जी। ठीक है, तो मैसेज है बस वो। ठीक है, थैंक यू। क्या लॉग इन हो रहा है आपका? सॉरी मैं म्यूट पे बोल रहा था, मेरे को थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि मैं एक्चुअली बाहर हूँ, किसी और के सिस्टम पे लॉगिन करके अटेंड कर रहा हूँ सेशन। मैंने लॉगिन करके देखिए। चलो ठीक है, अब हमें क्या करना है, जैसे कि सपोज करो हम लोग क्या करते हैं, जब ऑन प्रमाइसेस हमारा मशीन सेटअप हो जाता है तो हम लोग, आपने देखा होगा मैं आरपीएम्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे लिनक्स में कोई भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हैं तो यू विल बी रिक्वायर्ड द आरपीएम, जिस फाइल को आप विंडोज में exe फाइल बोलते हैं, लिनक्स में हम आरपीएम बोलते हैं उसको। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले उसके लिए रेपो फाइल हमारे पास होना चाहिए, आरपीएम हमारे पास होने चाहिए। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि सर कोई सॉफ्टवेयर, कोई प्लग इन हमें अगर लिनक्स में इंस्टॉल करना पड़ा जो सर्वर हमने AWS क्लाउड में चला रखा है, तो क्या रेपो फाइल वगैरह हमें बनाना पड़ेगा या AWS ने ऑलरेडी हमें दे रखा है पहले से? तो याद रखना कि इन्होंने ऑनलाइन जो रेपोजिटरी है ना, ऑनलाइन रेपोजिटरी को RHEL या फिर लिनक्स में हम लोग बोलते हैं ETE है, ये इन्होंने ऑलरेडी आपको ना बना के दे रखा है। अगर आप यहाँ पे कमांड चलाओगे ना yum repo list, आपसे बोल रहा है कि तीन आपके पहले से RPM की रेपोजिटरीज बनी हुई है, यानी कि ls-lrt-yum.repos.d आप करोगे, ये रेपो फाइल इन्होंने पहले से ऑलरेडी आपको बना के दे रखे हैं। कोई सॉफ्टवेयर अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, जैसे आपने बोला कि सर एक सर्विस यहाँ पे मेरे को इंस्टॉल करके दिखाओ, HTTPD, कोई एक वेबसाइट मेरे को अगर यहाँ चलाना है मैं कैसे चला सकता हूँ, तो मैंने सिंपल पहले उसका RPM डाला, जो लिनक्स में स्टेप्स होते हैं। जो लोग विंडोज वाले हैं, आप विंडोज में एक सर्वर है HTTP को ही हम बोलते हैं IIS, ठीक है, वो आप इंस्टॉल करके देख सकते हैं। अभी मैं विंडोज का मशीन भी आपको बताऊंगा कैसे आप विंडोज का मशीन बना सकते हैं। तो आपने क्या किया, RPM इंस्टॉल कर लिया, एक बार क्वेरी कर लो, ठीक है। डेमन मैंने क्या कर दिया, HTTPD सर्विस का स्टार्ट, और इसको परमानेंटली क्या कर दिया, टेबल, ठीक है। एक मैसेज दिया मैंने, दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट वेयर www.html next.html, ठीक है। देखो अपना पर्सनल आईपी अगर आप रियल चेक करना चाहते हैं तो दिस इज द एक्चुअल आईपी ऑफ योर सर्वर 98 3498, सेम चीज आप यहां देख सकते हैं 3498, ठीक है। सिंपल मैंने क्या किया, अगर मैं लोकल अगर वेबसाइट को हिट करना चाहता हूं तो कर्ल कमांड से हम चेक कर सकते हैं, जो मैसेज मैंने दिया था सेम मेरा यहाँ पे मेरे को डिस्प्ले हो रहा है, दैट मीन की वेबसाइट मेरा चल गया। और अगर मैं कर्ल लोकल होस्ट करता हूं तो उससे भी मेरा, अगर मैं इंटरनेट से वेबसाइट का टेस्टिंग करना चाहता हूं, जैसे कि मेरे को एक चीज बताए यहां पब्लिक आईपी चलेगा इंटरनेट से या प्राइवेट चलेगा? हाँ जी, पब्लिक ही हम यूज करेंगे, ठीक है। तो पब्लिक आईपी मैंने कॉपी किया, यहां पे पब्लिक आईपी को मैंने पेस्ट कर दिया, लेकिन कोई भी वेबसाइट मेरा यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है। नाउ टेल मी द रीजन, व्हाट कैन बी द प्रोबेबल कॉज? HTTPD ट्रैफिक हमने इनेबल नहीं कर रखा है सिक्योरिटी थ्रू, राइट। यानी कि सर्वर लोकल से तो वेबसाइट चल रहा है तो लोकल तो HTTP अलाउ है ऑलरेडी। When we are trying as a anonymous user, मतलब इंटरनेट से जब हम जा रहे हैं तो हमें बोल रहा है कि यार आपका वेबसाइट रीचेबल नहीं है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है? तो आपको हमेशा ऐसे केसेस में सिक्योरिटी ग्रुप को देखना है, सर्वर लॉग इन नहीं कर पा रहे, पिंग नहीं कर पा रहे, सब कुछ AWS के साइड आपने ठीक कर रखा है, तो प्रॉब्लम हमेशा आपको सिक्योरिटी ग्रुप में जाके देखना है कि मैंने डिजायर्ड पोर्ट को अलाउ कर रखा है कि नहीं। जब हम वेबसाइट ओपन करते हैं तो वी आर यूजिंग द HTTP पोर्ट डिफॉल्ट, तो हमें क्या करना है, इस सर्वर के सिक्योरिटी ग्रुप में, सिक्योरिटी ग्रुप्स में मैं गया, यहां पे जाके अभी हमने देखो क्या क्या अलाउ कर रखा है, ओनली SSH और ICMP। क्या किया मैंने, एडिट किया, और यहां पे जाके सिंपल
रूल लिखा मैंने एचटीटीपी अलाउ कर दो, इसके लिए अलाउ करना है, मैंने बोला फॉर एंटायर वर्ल्ड, और इसको रूल को क्या कर दिया मैंने सेव, सेव जैसे किया नाउ यू कैन सी वी हैव अलाउड द एचटीटीपीएस पे, और इस पेज को मैं अगर रिफ्रेश करता हूं अगेन तो वेबसाइट मेरा आराम से ओपन हो रहा है। आप लोग भी अपने ब्राउजर में ट्राई करो जल्दी से, लेट मी नो सेम पेज आपका ओपन हो रहा है कि नहीं, 65.0.86.253। और समझ में आ रहा है ना फ्लो थोड़ा बहुत की, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं और क्या हमें मिल रहा है? जी सर हो रहा है। ठीक है चलो सपोज करो सेम चीज सबका चलेगा, क्योंकि मैंने किसी आईपी स्पेसिफिक फिल्टरिंग नहीं किया है, मैंने पूरे हर एक आईपी को अलाउ कर रखा है। मैं चाहूं तो इस पब्लिक डीएनएस से भी अपना वेबसाइट ओपन कर सकता हूं, सेम मेरा पब्लिक डीएनएस से भी ओपन हो रहा है। अब यहाँ पर ना क्वेश्चन कभी कभी ये आता है कि सर आप हमें अगर कोई कस्टम अपना यूआरएल से वेबसाइट ओपन करना है लाइक kr-network-cloud.org तो हाउ वी कैन ओपन द वेबसाइट। तो आगे एक टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं डीएनएस का जो सर्विस है रूट 53, वहां पे ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि कस्टम अपना डीएनएस आप कैसे सेटअप करोगे, दैट इज इन द पाइपलाइन। ठीक है वी ऑन होल्ड, यहां तक किसी को कोई डाउट है दोस्तों? एक चीज मेरे को थोड़ा सा वो लग रहा है, जो सिक्योरिटी ग्रुप में जो सेकंड एसएसएच ऐड करा हुआ है, हाँ एक तो 0.0.0 तो एनीवेयर के लिए हो गया, तो सेकंड वाले में कॉलन करके 0 करा हुआ है, इट इज फॉर द IPv6। अच्छा अच्छा ठीक है, जैसे जो डबल कॉलन करके जो /0 लिखा रहता है ना, ये हमारा होता है IPv6 के लिए। जैसे 0.0 ये सिंपल IPv4 एड्रेस को अलाउ करता है, अगर कोई बंदा IPv6 यूज करके आ रहा है उसके लिए होता है कॉलन डबल डबल कॉलन /0। ठीक है देखो हमने अभी तक थोड़ा समराइज कर देता हूँ हमने क्या किया है। एक RHEL-8 का हमने मशीन बनाया सबसे पहले, उस मशीन को लॉग इन किया हमने, ठीक है पासवर्ड बेस ऑथेंटिकेशन हमने अलाउ किया, ठीक है कस्टम यूजर से भी लॉग इन करके दिया देखा हमने, और एक HTTPD सर्विस हमने इंस्टॉल करके देखा RHEL। ठीक है ये 4 स्टेप्स हमने करे हैं, और उस एप्लीकेशन को बाहर से वर्ल्ड वाइड एक्सेस करके भी देखा। ठीक है नाउ अब सेम ऑर्डर में आई एम गोइंग टू क्रिएट वन मशीन ऑफ विंडोज। ठीक है मशीन बनाने के तरीके बिल्कुल सेम है, क्या करना है आपको सबसे पहले क्लिक ऑन इंस्टेंसेस। अब आप में से कोई एक बंदा मेरे को बताता जाए कि सर ये स्टेप फॉलो करो विंडोज के लिए जल्दी से। हाँ जी लॉन्च इंस्टेंसेस पे पहले क्लिक, ठीक है फिर नीचे स्क्रॉल करके विंडोज का फ्री टियर वाला, ये मैंने सपोज करो विंडोज माइक्रोसॉफ्ट 2019 मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है ओके यहां पे T2 फ्री टियर वाला ये मैंने ले लिया। नेक्स्ट कॉन्फिगरेशन इंस्टेंस कॉन्फिगरेशन नंबर हाउ मेनी सर्वर्स वी रिक्वायर्ड, वी रिक्वायर्ड 1 सर्वर 1 नेटवर्क डिफॉल्ट ही हम ले रहे हैं अभी, कौन से अवेलेबिलिटी जोन में सपोज 1B हमने ले लिया यहां पे, वो हमारा 1A में था लास्ट वाला सर्वर, ये हमने 1B और कोई सा हमने चूज करते हैं तो वो अपने आप से ऑटोमेटिक किसी भी एजेंट में प्लेस कर देगा। ठीक है क्लिक में से इनेबल कर सकते हैं एक चीज, इसमें जैसे जो बाकी ऑप्शन है ये मतलब इंटरव्यू या वैसे आई विल डिफाइन एवरी ऑप्शन ओके कहेंगे इनके बारे में सब। ठीक है ठीक है तो फिर नेक्स्ट ऐड स्टोरेज, नेक्स्ट ऐड स्टोरेज यहाँ पे 20 GB हमें मिल रहा है बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव जिसको आप बोलते हैं, तो लिनक्स के लिए 10 GB देते हैं ये लोग, 10 या 8 GB मिलेगा कहीं कहीं पे, और विंडोज में कितना मिलेगा आपको 30 GB। ठीक है नेम दे लेते हैं अपना नाम दे लेते हैं, ये जो 3 चेक मार्क्स हैं ये इनका मतलब इनका देखो मतलब ये है कि सर्वर का नेम भी क्या मिलेगा आपको, ये आप चाहते हैं कि सर्वर को नेम ना मिले तो इसको अनचेक कर दो। ओके ओके वॉल्यूम जो इसका अटैच होगा उसका भी विंडोज सर्वर होगा, इसका जो एक नेटवर्क इंटरफेस बनेगा ना उसका भी नाम क्या होगा, तीनों के सेम नेम आ जाएंगे राइट। ओके नेक्स्ट सिक्योरिटी ग्रुप आ जाता है अपना,
सिक्योरिटी ग्रुप आपको एग्जिस्टिंग चूज करना है। तो लास्ट टाइम हमने देखो कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप बनाया था, लिनक्स। आप चाहे तो ये ले सकते हैं, आपने बोला कि लिनक्स का ट्रैफिक अलग है, विंडोज का अलग है, मैं एक सेपरेट सिक्योरिटी ग्रुप बनाना चाहता हूँ विंडोज सर्वर्स के लिए। तो आप नाम क्या ले लिया आपने उनका, विंडोज डिस्क्रिप्शन आप दे दो, दिस इज फॉर, ये आपसे बोल रहा है आरडीपी मैंने अलाउ कर रखा है बाय डिफॉल्ट। आप चाहे तो आईसीएमपी भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अलाउ जीरो, ठीक है। नेक्स्ट लॉन्च, इसके बाद लॉन्च एग्जिस्टिंग की पेर यूज कर सकते हैं या फिर नया विंडोज का है तो नया भी बना सकते हैं। नहीं जरूरी नहीं है, विंडोज और लिनक्स में की पेयर सेम हो सकता है, आप चाहे दोनों का अलग अलग भी कर सकते हैं। हाँ, डिपेंडिंग, ठीक है। इंडस्ट्रियल बेस्ट प्रैक्टिस क्या है सर? बेस्ट प्रैक्टिस तो ये है कि की पेयर हम सेम ही लेके चलते हैं। कंटिन्यू की पेयर आप रखोगे ना तो यू आर जस्ट क्रिएटिंग द कॉम्प्लेक्सिटी, और सर्वर आपका देखो क्रिएट हो गया, इतना टाइम लगा। दिस इज द बेस्ट एडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। सेम विंडोज मशीन अगर आप ऑन प्रमाइसेस रेडी करते ना तो अभी तक तो आईए तो प्रॉब्लम भी नहीं होगा, एम आई राइट और नॉट? राइट। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, एक मिनट में आपके पास सर्वर आपका अवेलेबल है। सर जैसे कीज डिलीट हो जाए, मतलब गलती से बताऊंगा, वो रिकवर करना है, पे वो हम आगे बात करेंगे। हाँ, वो देखेंगे रिकवरी। तो ये हमारा सर्वर मिला हमें विंडोज का, सेम डिटेल्स आपको नीचे दिख रहा है। जैसे आप इसमें फिल्टर लगाना चाहते हैं ना, मेरे को ओनली रनिंग सर्वर्स चाहिए यहाँ पे ना, ये आपसे बोल रहा है कि यहाँ जाके आप फिल्टर भी लगा सकते हैं। से आपने बोला इंस्टेंस की स्टेट से मेरे को फिल्टर लगाना है, उनसे सर्वर चाहिए मेरे को रनिंग, जो दो सर्वर आपके स्टॉप देना है वो उनको यहां से अभी हटा देगा, ओनली रनिंग सर्वर्स को आपको दिखा रहा है। अब विंडोज मशीन को लॉगिन करने का तरीका अलग है, कैसे करोगे? देखो तरीका सेम है, आपको कनेक्ट पे जाना है पहले। कनेक्ट पे जाने के बाद ये आपसे क्या बोल रहा है, आप क्लिक करो आरडीपी क्लाइंट पे, मतलब पहले से इसका कोई रिमोट डेस्कटॉप फाइल रेडी टू यूज आपको डाउनलोड करना है, या आईसीए फाइल, तो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आपने बोला कि मैं ये डाउनलोड नहीं करना चाहता, दोनों तरीके से मैं आपको बताऊंगा। आप सिंपल पहले करो पासवर्ड इसका गेट, विंडोज के जितने भी मशीन होंगे उनमें डिफॉल्ट यूजर काम करता है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर, और एडमिनिस्ट्रेटर को ना की बेस हम लॉग इन नहीं कर सकते, लेकिन जब इस एडमिनिस्ट्रेटर यूजर का फर्स्ट टाइम हम पासवर्ड रिट्रीव करते हैं ना तो पैम फाइल की रिक्वायरमेंट होती है हमें, नॉट पीपीके फाइल। पैम फाइल हमने डाउनलोड्स में रखा हुआ है, क्या करना है आपको गेट पासवर्ड पे क्लिक करना है। गेट पासवर्ड पे आप क्लिक करोगे तो आपसे बोल रहा है कि की पेयर आपने ना ये एसोसिएट किया था, आपको पहले क्या करना पड़ेगा की को ब्राउज। मैंने क्या किया, अपने डाउनलोड्स में जाके अपने सिस्टम के डाउनलोड्स में पैम फाइल जो था मेरा AWS वैच 8211.pam फाइल को ओपन किया, और नीचे एक ऑप्शन आएगा डिक्रिप्ट पासवर्ड, इस वाले पासवर्ड को कहीं पे आपको अपने पास सेव करके रख लेना है। तो ये जो बॉक्स आ रहा है इस पर क्लिक करोगे पासवर्ड आपका कॉपी हो जाएगा। मैंने नोटपैड में पासवर्ड को क्या कर लिया, सेव, ठीक है। सेव करने के बाद नाउ यू कैन कैंसिल इट। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक एप्लीकेशन आपको ओपन करना है आरडीपी। रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, ठीक है। यहां पे क्या डालना है, अपने सर्वर का ये पब्लिक आईपी आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जस्ट कौन कनेक्ट और यूजर नेम क्या यूज करोगे आप? हाँ जी, यूजर डिफरेंट अकाउंट, ठीक है।
डालना है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर, और एडमिनिस्ट्रेटर के बाद पासवर्ड आपका क्या है, दिस इज योर पासवर्ड, सिंपल क्या कर देना है आपको, ओके एंड क्लिक ऑन यस। एक तरीका ये है लॉगिन करने का, ठीक है। तो ये मशीन अभी यहां से लॉगिन हो जाएगा, सपोज मैंने इसको यहां से कर दिया क्लोज, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, आप अगेन कनेक्ट वाले बटन पे जाओगे, आरडीपी क्लाइंट पे आप जाओ और डाउनलोड दी। अब यहाँ पे ना पब्लिक आईपी वगैरह कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसने क्या किया है, आपके सर्वर का जो पब्लिक डीएनएस नेम है ना, इस वाले फाइल में हार्ड कोड कर दिया उस चीज को। मतलब ये डायरेक्ट आपसे ना देखो इस वाले पे लॉगिन करने को बोल रहा है, और ये जो है ना आपका पब्लिक आईपी या फिर पब्लिक डीएनएस है आपका, आप इसको कनेक्ट करोगे सिंपली आपसे ना पासवर्ड प्रॉम्प्ट करेगा। अभी क्या बोल रहा है आपसे, एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड डालो, पासवर्ड आपने ऑलरेडी कॉपी कर रखा है, यहाँ पे सिंपल क्या किया, एंटर माई पासवर्ड, क्लिक ऑन यस। दोनों तरीके आप देख सकते हैं, रिमोट डेस्कटॉप एप्लीकेशन से भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं या फिर ऐसे भी आप लॉग इन कर सकते हैं। ये मशीन आपका हो गया दोस्तों क्या, विंडोज का। विंडोज में आपके पास एक एप्लीकेशन होता है सर्वर मैनेजर, जैसे इंटरनेट पे कुछ ब्राउजिंग आप करना चाहते हैं तो चाहे आप लिनक्स का मशीन बनाओ चाहे विंडोज का बनाओ, बाय डिफॉल्ट आपको इंटरनेट दोनों में मिलेगा, ठीक है। जैसे लिनक्स के मशीन में अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि हमारा लिनक्स का मशीन था राइट, इसमें आपको चेक करना है कि इंटरनेट चल रहा है कि नहीं, तो आप यहाँ पे ना ट्राई कर सकते हैं ping google.com, यानी कि पिंग रिप्लाई आपको गूगल से आ रहा, दैट मीन्स इंटरनेट यहाँ पे आपका चल रहा है, इंटरनेट से कोई भी डेटा आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगेन में विंडोज के में भी एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड हम चेंज कर सकते हैं, मतलब सकते हैं आप यहाँ पे यूजर मैनेजमेंट में जाओ और पासवर्ड रीसेट कर दो वहां से, ठीक है। बता दूंगा मैं अभी, रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे जो ये ऑप्शन है ना, इसको एक बार आप क्या कर दें दोस्तों, यहाँ पे इसको ना ऑफ कर दें, तो इंटरनेट पे कुछ ब्राउजिंग आप करोगे ना तो ये पॉप अप करता है सिक्योरिटी का बार बार, ठीक है। इसको मैंने क्या कर दिया, यहां से ऑफ कर दिया इस वाले ऑप्शन को, और ऑफ करने के बाद एक बार आप चेक कर लो लोकल सर्वर्स में ऑफ क्यों नहीं हुआ, ऑफ हो गया, ठीक है। इसको मैंने क्लोज किया, नाउ यू कैन ओपन इंटरनेट एक्सप्लोरर। एक बार यहां ट्राई कर लो google.com, आराम से ओपन हो रहा है, ठीक है। अब लेट सपोज देखो यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर में डाउनलोड करता हूं, आपको बताता हूं कि इंटरनल कम्युनिकेशन कैसे होता है। यहाँ पे फुट्टी डाउनलोड मैंने किया यहाँ पे, ठीक है, सॉफ्टवेयर में, और अब देखो फुट्टी मेरा यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। एक चीज देखो, अगर मैं इस लिनक्स मशीन का, मैंने जो लिनक्स सर्वर बनाया था, अगर मैं इसका प्राइवेट आईपी यहां पे डालता हूं, अपना लिनक्स मशीन ये है मेरा, इसका प्राइवेट आईपी क्या है, ये है। मैंने आपको ना इस डायग्राम में यही समझाया था कि प्राइवेट आईपी अगर दो सर्वर आपके हैं ना, जैसे ये मेरा विंडोज का मशीन है, ये लिनक्स का है, इस लिनक्स मशीन पे मैं पब्लिक आईपी से भी कम्युनिकेट कर सकता हूँ, प्राइवेट से भी, लेकिन पब्लिक से रिकमेंडेशन नहीं है। आप जब इंटरनल कम्युनिकेशन करना चाहते हैं ना तो हमेशा यूज करो प्राइवेट को, क्योंकि पब्लिक से जब हम कम्युनिकेशन करते हैं ना तो अननेसेसरी पहले डेटा आपका इंटरनेट पे जाता है, फिर इंटरनेट से रिक्वेस्ट आपकी आती है अगेन इस सर्वर के पास। बेटर टू डू द प्राइवेट कम्युनिकेशन। मैंने क्या किया, अपने इस लिनक्स सर्वर के प्राइवेट आईपी को कॉपी किया, यहाँ पे एंटर किया, मैंने कॉपी पेस्ट किया, ये प्राइवेट आईपी हो गया 172.31। ओपन करो, यस करो, पासवर्ड क्या था मेरा, यूजर नेम रूट, पासवर्ड मैंने रेड हैट सेट किया था इसका। आराम से देखो क्या हो रहा है मेरा, समझ में आ गया ये कम्युनिकेशन क्या था हमारा, यस। और सेम चीज, और एक और चीज मैं आपको अगर दिखाऊं,
आप क्या है ना, जैसे एक वेबसाइट आपका इस वाले सर्वर के अंदर चल रहा है, आपने बोला कि सर क्या इस वेबसाइट को मैं प्राइवेट आईपी से ओपन कर सकता हूँ, यू टेल मी यू कैन ओपन और नॉट। अगर मैं यहाँ पे पब्लिक आईपी यूज ना करके सर्वर का प्राइवेट आईपी भी मेरा क्या हो रहा है, देखो मैं चाहूं तो पब्लिक भी यूज कर सकता हूँ। पब्लिक में वही प्रॉब्लम आपको होगा, डेटा विल गो टू द इंटरनेट फर्स्ट एंड इंटरनेट से फिर रिक्वेस्ट आपका क्या आएगा, तो मैंने इस बार पब्लिक आईपी दिया तो पब्लिक से भी आपका वेबसाइट क्या है, एक्सेसिबल है। लेट्स सपोज इस विंडोज मशीन को आपको अपने लैपटॉप से पिंग करना है, तो पब्लिक आईपी आपने विंडोज मशीन का यहां से अपने लैपटॉप से अगर पिंग करना है, तो आपका जो पब्लिक आईपी है विंडोज मशीन का वो ये है, ठीक है। आपने क्या किया, लेकिन ये आईपी रीचेबल नहीं है, क्या हो सकता है प्रोबेबल कॉज, इसमें सिक्योरिटी ग्रुप आएगा। सिक्योरिटी ग्रुप में तो हमने आईसीएमपी अलाउ कर रखा है ऑलरेडी, अगर आप विंडोज का सिक्योरिटी ग्रुप देखते हैं विंडोज में ऑलरेडी हमने अलाउ कर रखा है। विंडोज का सिक्योरिटी ग्रुप कौन सा, ये वाला। यहाँ पे अगर आप देखोगे इनबाउंड डायरेक्शन में आईसीएमपी ऑलरेडी अलाउ है, तो याद रखना विंडोज सर्वर्स में एक प्रॉब्लम होता है फायरवॉल का, ओएस का फायरवॉल होता है। लिनक्स में तो फायरवॉल ऑलरेडी डिसेबल होता है, तो उसने कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया, लेकिन विंडोज में यहाँ पे इनेबल इन्होंने करके दिया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार यहाँ पे जाके विंडोज के फायरवॉल को क्या करना पड़ेगा, आपको एक बार ऑफ कर दो और अगेन आप ट्राई करोगे ना पिंग करना यहां से, तो आराम से ये मशीन क्या होगा आपका होगा, ठीक है। पासवर्ड वगैरह आपको रीसेट करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, तो बाईपास कर सकते हैं, यूजर सर्वर मैनेजर में ही ना एक सेटिंग होता है हमारा, अरे कॉल आ रहा है, एक मिनट देना मुझसे ना, हेलो पासवर्ड देखो अगर आपको रीसेट करना है ना, तो आपको मैनेज में जाओ एक बार और यहाँ पे नहीं टूल्स में एक मिनट सर थोड़ा रिपीट करेंगे, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था अभी दोबारा, एक कंप्यूटर मैनेजमेंट, एक मिनट दो रिकॉर्डिंग फिनिश कर लेते हैं पहले, है ना, रिकॉर्डिंग में है सब कुछ, वैसे आप सुनोगे कुछ नहीं किया आपने, एक मशीन बनाया विंडोज का बस ना, पासवर्ड रीसेट करना मैं बता रहा हूँ आप। एडमिनिस्ट्रेटर यूजर देखो ये है, यहाँ पे पासवर्ड आपको रीसेट करना है ना, तो यहाँ पे आप कोई भी कस्टम पासवर्ड, जैसे मैंने पासवर्ड दिया redhatrcaps@123 पासवर्ड मेरा रीसेट हो गया। अब इस मशीन को ना मैं अपना ये रेडिट वाला पासवर्ड यूज करके भी मैं कर सकता हूँ, जैसे कि ले पासवर्ड यहां से आप ले लो, इंस्टेंसेस पे आप जाओ और यहाँ पे जाने के बाद विंडोज सर्वर आपका ये हो गया एंड कॉपी पब्लिक आईपी, एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे ओपन किया रिमोट डेस्कटॉप, यूजर नेम तो सेम आपको एडमिनिस्ट्रेटर ही यूज करना है, ठीक है। पासवर्ड मैं डाल रहा हूं इस बार redhat@123, ठीक है, ओके। अब आपने जो ये पासवर्ड कॉपी किया था ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है आपको, जो पासवर्ड आपका सेट हो गया है ना, दैट इज redhat@123, ठीक है।
अब मशीन्स को आपको देखो करना क्या है, जैसे कि अब आपके सर्वर्स जैसे यहाँ चल रहे हैं ना, तो इनको रीस्टार्ट अगर आपको करना है ओएस से तो कमांड हमारे पास है, जैसे सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट रीबूट आप कर सकते हैं, इनिट सिक्स कर सकते हैं, इनिट जीरो आप कर सकते हैं, विंडोज को आप मैनुअली रीस्टार्ट कर सकते हैं ओएस से। यहाँ से आपको देखो क्या क्या ऑप्शन दे रहा है। हाँ जी, अगर ये पासवर्ड हम भूल गए तो फिर कैसे इसको रिसेट कर सकते हैं, जैसे विंडोज का पासवर्ड अभी रिसेट? तरीका बताऊंगा, सबके तरीके हैं बताऊंगा आपको, है ना? ओके राइट, ठीक है। देखो स्टॉप इंस्टेंसेस, रीबूट और टर्मिनेट। स्टॉप का मतलब है सर्वर को शटडाउन कर दो, स्टार्ट का मतलब है जो सर्वर शटडाउन है उसको स्टार्ट कर दो, रीबूट का मतलब होता है कि सर्वर को रीस्टार्ट कर दो, हाइबरनेट का मतलब होता है स्लीप मोड, ठीक है, टर्मिनेट का मतलब होता है सर्वर को डिलीट कर देना। तो याद रखना, अभी आप कुछ दिन के लिए क्या करें, मेरा रिकमेंडेशन है जब भी आपका काम हो जाए सर्वर को तुरंत यहां पे सेलेक्ट करके सिंपल आप क्या कर दें, टर्मिनेट। एक बार सर्वर आपने टर्मिनेट किया तो अगेन यू कैन नॉट रीस्टार्ट द सर्वर और स्टार्ट द सर्वर, स्टॉप सर्वर को हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो टर्मिनेट का मतलब होता है सर्वर को डिलीट कर दें। सर्वर जब हमारा टर्मिनेट होता है ना, तो सब कुछ आपका डिलीट हो जाता है, मतलब जो स्टोरेज लगा था वो डिलीट हो जाएगा, सर्वर डिलीट हो जाएगा। दो चीजें आपके डिलीट नहीं होती है, एक तो आपका की पेयर और आपका सिक्योरिटी कोड, मतलब बाद में भी अगर आप सर्वर बनाना चाहें तो सेम एग्जिस्टिंग वाले ऑप्शन को ऑप्ट करके आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिस मेरा ये है। अब यहाँ पे ना आपको टर्मिनेटेड दिखेगा, इसका मतलब है कि सर्वर डिलीट हो गया, इसको स्टार्ट आप नहीं कर सकते हैं। थोड़ी देर के बाद, एक घंटे के बाद, ये सर्वर की इंफॉर्मेशन भी यहां से अनअवेलेबल हो जाता है, ओनली आपको एक्टिव सर्वर ही यहाँ पे दिखेंगे। जो की पेयर आपने बनाया था वो देखो आज भी यहाँ पे अवेलेबल होगा, जो हमने की पेयर US 8 to 11, ठीक है, सेम की पेयर अगेन आप यूज कर सकते हैं। तो आप जब प्रैक्टिस करो ना, तो बार बार की पेयर और सिक्योरिटी ग्रुप मत बनाना, पुराने सिक्योरिटी ग्रुप्स को ही आप यूज कर लेना, विंडोज सर्वर का सिक्योरिटी ग्रुप भी है और लिनक्स सर्वर। और आप डिलीट करना चाहते हैं तो इनको आप मैनुअल भी डिलीट कर दो, यहाँ से एक्शंस पे जाकर डिलीट सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है।